चलिए गाइस स्टार्ट कर लेते हैं विद लेबर कॉस्टिंग अपना लेबर कॉस्टिंग वाला जो पार्ट है वी ऑल ऑल हैव हैव डन डन रोवन स्कीम्स दैट फिर उसके बाद हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहां पे बहुत सारे वर्कर्स आए थे वो अक्षय महेश जॉन फिर एक फ्लैट रेट्स वाला काम किया था एक उसके बाद वो स्लाइडिंग स्केल वाला काम किया था वी ऑल हैव डन दैट लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन के ना हम लोगों ने ग्रुप बोनस वाला काम किया था ठीक है वैसा ही ए क्वेश्चन बट माइट बी ए स्लाइटली सिंपलर वर्जन ऑफ दैट इज गोन टू बी क्वेश्चन नंबर सो लेट स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन प्लीज तो आ जाइए उधर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्कर्स ऑफ अ डिपार्टमेंट इन अ फैक्ट्री आर एंटाइटल टू प्रोडक्शन बोनस इन अकॉर्डेंस विद ग्रुप इंसेंटिव स्कीम द आउटलाइन ऑफ विच इज एस फॉलो ठीक है for any production in excess of standard rate fixed at 16800 tons per month whereby a month comprises of 28 days a general incentive of 15 per ton is paid in aggregate Thicket वो लोग क्या बोलते हैं वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वर्कर डायरेक्ट वर्कर वो होता है जो फैक्ट्री के ना गुड्स प्रोड्यूस करता है इनडायरेक्ट वर्कर वो होता है जो बाकी काम करता है जैसे फैक्ट्री को झाड़ू मारेगा मशीन का मेंटेनेंस करेगा मतलब जो लोग डायरेक्टली प्रोडक्शन के ना इन्वॉल्व नहीं होते तो वो लोग क्या बोलते हैं कि इन लोगों को एक बोनस स्कीम वो दिया जाता है ओके okay? एक ग्रुप इंसेंटिव बोनस वगैरह वो दिया जाता है ठीक है और उसका जो आउटलाइन है वो कुछ ऐसे है फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड टन पर जनरल इंसेंटिव दिया जाता है पीपल द टोटल टू इच सेपरेट ग्रुप इज डिटर्मिंड ऑन द बेसिस ऑफ अज्यूम परसेंटेज ऑफ सच एक्सेस प्रोडक्शन बींग्रीब्यूटेड बाई इट ने पहला वाला तुम्हारा ग्रुप है टेंट बाई इंस्पेक्शन स्टाफ ये वाला ग्रुप है मेंटेनेंस स्टाफ थर्ड वाला ग्रुप है एट परसेंट बाई सुपरवाइजरी चौथा वाला ग्रुप है तो जो भी आपका बोनस आएगा इस रेशियो के अंदर डिवाइड हो जाएगा आर फोर ग्रुप्स ग्रुप जिसको मैंने वन टू थ्री फोर करके लिख दिया ठीक है आगे मोर ओवर इफ द एक्सेस प्रोडक्शन इज ट्वेंटी परसेंट अब स्टैंडर्ड ओके डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट लेबर बेटा तेरा पहला वाला ग्रुप था तो जितना भी 120 के गया ना तेरे को एक बोनस दिया जाएगा मेरे को जरा बोलो ये वाला जो बोनस है, एक बोनस है सिर्फ कौन से ग्रुप के लिए डायरेक्ट लेबर आगे इंस्पेक्शन स्टाफ इंस्पेक्शन स्टाफ जो अपना है वो अपना सेकेंड ग्रुप था ठीक है ज पीनलाइज एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पर टन फॉर रिजेक्शन बाय द कस्टमर इन एक्सेस प्रोडक्शन चलिए ठीक है तो यह ना एक पेनल्टी है तो ये, तो ये लोग क्या बोलते हैं कि अगर कस्टमर ने रिजेक्शन किया टू परसेंट के ऊपर थर्ड वाला ग्रुप है इज ऑल्सो पीनलाइज ए रेट ऑफ ट्वेंटी पर आर फॉर ब्रेक डाउन चलिए ठीक है Uh, नीचे का ना हिंट नहीं पढ़ना तुम लोग प्लीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ वर्कआउट द प्रोडक्शन बोनस अर्न बाय ईच सेपरेट ग्रुप मतलब चारों ग्रुप्स को कितना कितना बोनस आएगा वो निकाल के दो लेकिन ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअल वर्किंग डे ट्वेंटी फाइव प्रोडक्शन ट्वेंटी वन थाउजेंड टिजेक्शन फाइव हंड्रेड मशीन ब्रेकडाउन जो है दैट इज फोर्टी आवर्स चलो ठीक है तो अपने को यहां पे वी हैव टू वर्क आउट द प्रोडक्शन बोनस एंड अर्न बाय ईच ग्रुप तुम लोग इसी चीज को एक टाइटल दो ना जरा अपनी नोटबुक्स के अंदर लिखो स्टेटमेंट टू शो एंड देन कॉपी दिस प्रोडक्शन बोनस अर्न बाय ईच सेपरेट ग्रुप प्रोडक्शन बोनस अर्न बाय ईच सेपरेट ग्रुप अच्छा तो यहाँ पे ना मैं चार ग्रुप्स का नाम लिख रहा हूँ एक डायरेक्ट लेबर है एक अपना इंस्पेक्शन स्टाफ है एक सेकेंड ना एक तुम्हारा मेंटेनेंस स्टाफ है मेंटेनेंस स्टाफ ठीक है और एक तुम्हारा सुपरवाइजरी स्टाफ है और एक मैं यहाँ पे टोटल भी डाल रहा हूँ ठीक है तो आई टेक टू लाइंस आर बी बेटर दिस इज़ इंस्पेक्शन स्टाफ And this is direct एक सेकेंड के लिए रुको, ग्रुप बोनस है वो सभी लोगों को जाएगा हाँ वो सभी लोगों को जाएगा लेकिन जो स्पेशल बोनस है वो इधर नहीं आएगा ठीक है फिर उसके बाद पॉइंट नंबर थ्री जो है वो एक पेनल्टी है लेकिन वो जो पेनल्टी है वो किसके लिए है इंस्पेक्शन स्टाफ और ये वाला भी एक पेनल्टी ही है फॉर द मेंटेनेंस स्टाफ तो यहां पर और यहां पर कुछ आएगा मतलब यहां पर और यहां पर तो कुछ नहीं आएगा ठीक है बस दिस विल बी इन दिस केस द फाइनल अमाउंट जो हर एक बंदे को देने का होगा ऑब्वियसली जो पेनल्टी है वो हम लोग बोनस के अंदर से लेस कर देंगे ठीक है आप लोग ये वाला स्टेटमेंट जरा बनाओ उसके बाद की बात उसके बाद करते हैं वर्किंग नोट वन टू लास्ट वाले के अंदर थ्री एंड फोर यहां पे लिखिए वर्किंग नोट वन ग्रुप बोनस सेवन लाइंस छोड़ो वर्किंग नोट टू स्पेशल बोनस सिक्स uh, लाइन छोड़ दो वर्किंग नोट थ्री पेनल्टी छः लाइन छोड़ दो वर्किंग नोट फोर पेनल्टी सो ना मैं ना सबसे चिंदी काम वो खत्म कर रहा हूं द इजिएस्ट ऑफ ऑल ओके जो ओरल आंसर ही है वैसे तो ऑल दो वी विल स्टिल बी मेकिंग द नोट एडजस्टमेंट नंबर डी पढ़ना और मेरे को बोलना आंसर विल बी वॉट इंटू वॉट ट्वेंटी इंटूट इंटूट फॉर एवरी आवर ऑफ ब्रेक डाउन पेनल्टी आएगा कितने रुपीज का ट्वेंटी तो कितने आर्स का ब्रेकडाउन हुआ बेटा 40 आर्स ब्रेकडाउन का मतलब मशीन वगैरह वो खराब हो गया तो यहां पर आप लोग डायरेक्टली ही लो यार 40 आर्स एट द रेट ऑफ रूपीज ट्वेंटी तो ये आ जाएगा एट हंड्रेड ठीक है तो यहां पर आ जाओ लिखो एट हंड्रेड सुनो मेरे को ना तुम लोगों से ये फाइनल आंसर चाहिए बस ठीक है मैं तुम लोग को यहां पर सेवन मिनट दे रहा हूं ट्राई टू गेट मी दैट आंसर ओनली दिस फाइनल आंसर मेरे को बाकी आंसर्स के ना कोई इंटरेस्ट नहीं है ठीक है ये मारो ट्राई आ, एक सेकेंड सॉरी 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 मैं र साक्षी उसके आसपास है लेकिन एग्जैक्टली exactly वो नहीं है बेटा तूने कुछ एरर किया रहेगा छोटा सा गलत है देव प्रतिका गलत है आगोश करेक्ट है कुनाल करेक्ट है कृतिका गलत है महेश गलत है विदुषी गलत है तुम्हारा फर्स्ट वाला करेक्ट होएगा तो शायद बाकी सब करेक्ट हो ही जाएंगे फर्स्ट वाला करेक्ट करने का ट्राई करो उसकी तरफ ध्यान से पढ़ो रोशन कैलकुलेशन जरा चेक करो आपने शायद जो चीज लेस करना था आपने शायद ऐड कर दिया शायद देव गलत है मेह गलत है बेटा पेनल्टीज लेस होगा बोनस के अंदर से वो तो अपने को लेबर को चार्ज करना है ना आर्यन गलत शुभम गलत सिमरन गलत ध्रुव गलत रोशन कैलकुलेशन फिर से थोड़ा सा गलत है शायद महेश करेक्ट है अभी मेह गलत है देव गलत है कहा गलत है चलो बस मेरे ख्याल से बहुत टाइम हो गया अभी लास्ट थर्टी सेकेंड मेरे को तुम लोग को नहीं देने का है देखो फॉर एनी एक्सेस प्रोडक्शन फॉर एनी प्रोडक्शन इन एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रेट फिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड टन पर मंथ वेर आर मंथ कंप्राइज ऑफ ट्वेंटी एट डेज जनरल इंसेंटिव ऑफ फिफ्टीन पर टन इज पेड इन एग्रीगेट चलो ठीक है बस इसी लाइन को इंप्लीमेंट कर लेता हूं ठीक है जरा बोलो एक्चुअल प्रोडक्शन जो हुआ कितने टन का हुआ तो वो एक नंबर तो बोलो 21 ,000. 21 ,000. लेकिन ना ये, ये ट्वेंटी okay. से एक स्टूडेंट को पूछा कितने घंटे पढ़ाई करता है बोलता सर पचास घंटे <laughs> दूसरे बंदे को पूछा तू कितने घंटे पढ़ाई करता है बोलता है सर वो दो सौ घंटे जिसने पचास बोला था उसने एक हफ्ते का बोला था जिसने दो सो बोला था उसने पूरे साल का बोला था बेटा दीज टू नंबर्स आर नॉट नो नो यार यू मेक इट ओके याद रखना एक्चुअल डेटा कभी नहीं बदलता वो तो रियलिटी है सो इन दिस पर्टिकुलर केस यू आर गोइंग टू बी चेंजिंग सोलह हजार आठ सौ टन बनना चाहिए था अट्ठाईस दिनों के अंदर अगर फैक्ट्री ही तीन दिन कम खुला वर्कर की तो कोई गलती नहीं है सो यू कांट कंपेयर दिस पर्टिकुलर डेटा विद दिस पर्टिकुलर डेटा ओके और याद रखना एक्चुअल डेटा तो रियालिटी है वो तो सच्चाई है वो नहीं बदल सकता ऑन द लास्ट डे वी विल ट्राई टू चेंज द स्टैंडर्ड डेटा ओके मे को जरा बोलो मे को स्टैंडर्ड आउटपुट चाहिए कितने डेज के अंदर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ओके सो दट इज वॉट व्यू आर आर डूंग नाउ ओके शुभम आपको थोड़ी देर के अंदर पता वो चली जाएगा ओके सो जस्ट वेट नाउ ठीक है तो यहां पर जरा लिखना एक्चुअल प्रोडक्शन इन ट्वेंटी फाइव डेज

इंटू बोनस रेट फिफ्टीन रुपीज नाइन्टी थाउजेंड इसका सिक्सटी फाइव परसेंट कर लो इसका एक मिनट नाइन्टी थाउजेंड इंटू सिक्सटी फाइव फिफ्टी एट फाइव हंड्रेड ऐसे वो जो भी परसेंटेज वगैरह था ना वो हर एक जगह पे कर लो बेटा फिफ्टीन ट्वेल्व एट फिफ्टीन परसेंट भी कर लो ट्वेल्व परसेंट भी कर लो एट परसेंट भी कर लो और ये चारों आंसर ये जो भी हैं तुम्हारे वन टू थ्री फोर ये चारों आंसर इधर डाल दो ठीक है चलो सुनो ये वाला काम जो है तुम्हारा हो गया योर फर्स्ट वर्क इज डन ठीक है उसके बाद सेकंड moreover if the excess production is more than 20% above the standard obviously the standard means standard of 25 days you can't, you can't compare 25 days actual data with 20 days ka standard data direct labor will also get a special bonus at the rate of 5 per ton for all the production in excess of 120% of standard तो जितना भी तेरा स्टैंडर्ड है उसके ट्वेंटी परसेंट के ऊपर गया तो जितना भी ट्वेंटी परसेंट के ऊपर जा रहा है एट द रेट ऑफ फाइव टन विल बी योर स्पेशल बोनस तो चलो ठीक है तो स्पेशल बोनस के वर्किंग नोट में आओ यहां पे लिखो फिर से एक्चुअल प्रोडक्शन इन ट्वेंटी फाइव डेज ट्वेंटी वन थाउजेंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एक मिनट एक मिनट एक मिनट ये नहीं लिखना लेस डायरेक्टली वो वाला लाइन लिखते हैं जो अपने को चाहिए लेस वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ स्टैंडर्ड दैट इज वन ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड एटीन थाउजेंड तो एक्सेस जो है थ्री थाउजेंड है इनटू बोनस का रेट पांच रुपया था ना फिफ्टीन थाउजेंड चल तो तुम्हारे ये वाले टेबल के अंदर आओ यहां पे फिफ्टीन थाउजेंड डाल देना टोटल के अंदर भी फिफ्टीन थाउजेंड जो है डाल देना चलो उसके बाद वर्किंग नोट नंबर थ्री जो वर्किंग नोट फोर है वो तो एक लाइन का था दैट डन इंस्पेक्शन स्टाफ इज एट द रेट ऑफ ट्वेंटी पर टन फॉर द रिजेक्शन बाय द कस्टमर्स इन एक्सेस ऑफ टू परसन ऑफ प्रोडक्शन और एक्चुअल क्या जो रिजेक्शन हुआ पांच सौ टन का हुआ तो पहले यहां आप एक्चुअल रिजेक्शन लिख देंगे लेस टू परसेंट ऑफ प्रोडक्शन तो दैट इज टू परसेंट ऑफ मेरे को एक नंबर बोलो टू परसेंट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो ये 420 आ जाएगा एट इज एक्सेस रिजेक्शन इन टू आई एम जस्ट राइटिंग here. वैसे वो पेनल्टी रेट है ठीक है तो ये सोलह सौ जाएगा। चल ये जो तुम्हारा काम है ये हो गया ठीक है तो यहां पे आप सिक्सटीन हंड्रेड डाल दो ये टोटल मार लेना सेवेंटी थ्री फाइव हंड्रेड एक मिनट ये पेनल्टी का टोटल भी मार लो इधर टू थाउजेंड फोर हंड्रेड लेकिन ब्रैकेट में रखना ये इलेवन नाइन हंड्रेड टेन थाउजेंड सेवन थाउजेंड टू हंड्रेड टोटल मार लेना वन जीरो टू सिक्स हंड्रेड देखो मैंने शॉर्स में यहां पर क्या लिखा हुआ है वी कै नॉट टेक सिक्सटीन थाउजेंड एट हंड्रेड एज स्टैंड एज दैट इज ओनली फॉर ट्वेंटी इन रियलिटी फैक्ट्रीज ओपन फॉर ट्वेंटी डेज पेनल्टी हेज टू भी रिड्यूज फ्राम बोनस एग्जाम के टेंशन के अंदर ज्यादातर लोग अभी एड करने की हैबिट होती है तो सब कुछ ऐड कर ही आ जाते हैं ओके सो जस्ट बी के सो अभी ना अपना अच्छा अपना एक छोटा सा एक टॉपिक है कॉल्ड एज लेबर टर्न वो इसी का पार्ट है ऑब्वियसली ओके लेकिन उसके ऊपर ना थियरी क्वेश्चन भी आ सकता है अभी लेबर टर्न ओवर के ऊपर सम्स भी आएंगे तो ऑब्वियसली दैट गोइंग टू बी डूइंग डूंग लेकिन थ्योरी भी आ सकता है तो लेबर टर्न ओवर जो है इसी रेट को ना लेबर टर्न ओवर इन आर सी ए फाइनल स्टार्ट टू कॉल दैट थिंग एज एट्रिशन रेट ओके ए डबल टी आर आई टी आई ओ एन एट्रिशन रेट ओके वो सेम कंसेप्ट जो फाइनेंस के अंदर भी आएगा कई लोग इसको एम्प्लॉय टर्न ओवर भी बोल देते हैं अभी कोई भी कंपनी के अंदर ऑब्वियसली यहां पर जो वर्कर्स हैं ओके okay, वो सेम नहीं रहने वाले सम वर्कर्स विल लीव ओके न्यू वर्कर्स विल ज्वाइन वी ट्राई टू बी सेम कि लेबर टर्न हो जाता है ओके सो लेबर टर्न ओवर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ ऑफ चेंज लेबर है सर्टन पीरियड ओके एक पीरियड के अंदर कितना तुम्हारा वर्कर्स जो है वो बदल रहा है ओके दैट इज नथिंग बट लेबर टर्न ओवर अभी लेबर लेवर ना इन रियालिटी मेजर करना थोड़ा सा वो डिफिकल्ट है तो एक दो ऑथर्स हैं हु हैव एक्सप्रेस देयर व्यू वी आर ट्राइंग टू बी लर्निंग और अपने को ऑथर्स के नाम की कोई जरूरत नहीं आई सीट डी वन नो नेम्स ऑल्सो वैसे तो ओके लेकिन जो लेबर टर्नओवर है इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ लेबर वर्कफोर्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड अभी कोई कंपनी सपोज लाइक यू नो अ कंपनी लाइक से सुजुकी जो जापान की है ओके या फिर जो टयोटा है जो जापान के इन जापान इज अ ग्रेट कल्चर लाइक यू नो कि वहाँ पे कॉरपोरेट्स uh, बहुत ज्यादा हैं वहां पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बहुत कम होता है वहां पे तो मेजरली तो पीपल डू जॉब्स होने वे वहां पे देर आर जनरेशन टयोटा ना ओके अभी ऑब्वियसली कोई कंपनी लाइक टोयोटा लाइक सुजुकी वगैरह ऐसा तो नहीं बोल सकते सदियों हो गए कोई वर्कर कभी छोड़ के नहीं गया अरे ऊपर तो जाएगा ना यार बंदा ओके सो दीज आर द चेंजेस दैट विल हैपन सम वर्कर्स लीव दैम सेल्व सम वर्कर्स लाइक यू नो दे ऑल रिटायर सम वर्कर्स दे माइट गो अब्रॉड फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स ओके कई लोग से एन अनफॉर्चुनेट काइंड ऑफ अ थिंग दे बिकम्स ए हैंडीकैप वाइल वर्किंग ओके इन इंडिया दैट अ लॉट ओके सो लेबर टर्न हो जाता है बट लेबर टर्न ओवर जरा वो सोचो ना सपोज लाइक यू नो तुम्हारे वर्कर्स एक नंबर के कमीने लोग थे वो लोग छोड़ के गए आई विल ऑलवेज बी हैप्पी ओके ऑल दो आई डोंट नो कि जो न्यू वर्कर्स आएंगे वो इनसे अच्छे होंगे या नहीं होंगे बट वेन यू आर ट्राइंग टू डू द क्वेश्चन नो वी आर नॉट ट्राइंग टू बी थिंकिंग दिस सिचुएशन वी ट्राई टू बी थिंकिंग यार हमारे पास ना एक्सपीरियंस वर्कर्स थे स्किल्ड वर्कर्स थे तो टैलेंटेड वर्कर्स थे ओके सडनली दे ऑल लीव ओके okay. या फिर लाइक यू नो दे आर फोर्स टू लीव सपोज लाइक यू नो वी आर नॉट ट्राइंग टू पे देम गुड वेजेस ओके या फिर सपोज जो वर्किंग कंडीशंस है वो अच्छी नहीं है उनका जो सुपरवाइजर वगैरह है जो हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉई है ही डजेंट ट्रीट दैट दैट वेल उन लोगों को जो ओवर टाइम है वो नहीं देते सो ऑन एंड सो फोर्थ ओके लेकिन अगर तुम्हारे एक्सपीरियंस स्किल्ड वर्कर्स विल बी गोइंग नो ऑब्वियसली इट विल हैम्पर द कंपनी मेरे को तुम लोग दो चीजें वो बता दो कि अगर एक्सपीरियंस या स्किल्ड वर्कर्स छोड़ के गए ओके हाउ विल इट हैम्पर द कंपनी कंपनी को नुकसान कैसे होगा <पनेगा> इमेज खराब हो जाएगी हाँ आई विल नॉट टॉक ऑफ द इमेज ओके ये वाली चीजें शायद बाहर ही <पनेगा> ना आती हों अभी अपने को भी नहीं मालूम सपोज लाइक यू नो कि टीसीएस के अंदर कितने लोग छोड़ के जाते हैं कितने लोग आते हैं तो इमेज की आई विल नॉट लाइक टू बी सेम दैट बट द अदर थिंग लाइक यू नो एफिशियंसी ऑफ द न्यू वर्कर्स विल नॉट बी सेम एज ओल्ड वर्कर्स तो ऑटोमैटिकली एक जो इम्पैक्ट यहाँ पर वो होने वाला है कि तुम्हारा जो प्रोडक्शन है विल बी स्टार्टिंग टू फॉल ओके वो वाला चीज़ होएगा ही होएगा बिकॉज द ओल्ड वर्कर्स यूल एक्सपीरियंस विल स्टार्ट टू बी वर्किंग विद गुड स्पीड्स बट द न्यू वर्कर्स इन दिस पर्टिकुलर किस डोंट हैव एक्सपीरियंस ओके सो दे फोर उन लोग को उस लेवल तक पहुँचने के लिए काफी टाइम जाएगा अपार्ट फ्रॉम दैट जरा वो सोचो ना वंस ओल्ड वर्कर्स को न्यू वर्कर्स कहाँ से लेकर आओगे ओके okay? को बोलते सर मैं लिंक डेंग के ऊपर वो एड देगा सर ओके okay. वो बराबर है बट ऑल दी थिंग्स विल कॉस्ट यू यू हैव सी द लेबर एजेंसीज जो लोग वर्कर्स वगैरह तो वो सप्लाई करते हैं ऑल दी थिंग्स विल स्टार्ट टू कॉस्ट यू कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पर जब भी न्यू वर्कर्स आएंगे उनको वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा फिर उन लोग को शायद अपने को उनका वो मेडिकल टेस्टिंग भी करना पड़ेगा यार वो भी अपने सारे के सारे कॉस्ट ही तो है ना यार सो ओवरऑल कंपनी का कॉस्ट विल स्टार्ट टू बी राइजिंग कंपनी का प्रोडक्शन विल स्टार्ट टू बी फॉलोइंग ओके एंड इट डज है नॉर्मल प्रोडक्शन जो एक ट्रेंड था सो दिस इज नथिंग बट लेबर टर्न ओवर अभी लेबर टर्न ओवर वी ऑलवेज से वन स्मॉल थिंग कि इफ यू एवर है लेबर टर्न ओवर क्यों होता है वी से देर आर टू रीजन ऑफ लेबर टर्न ओवर वन इज नॉर्मल रीजन वन इन दिस पर्टिकुलर केस आर एबनॉर्मल रीजन अभी नॉर्मल रीजन आर कॉल्ड एज अनकंट्रोलेबल रीजन ओके जो एबनॉर्मल रीजन हैं, दीज आर कंट्रोलेबल रीजन अभी अनकंट्रोलेबल रीजन क्या क्या हो सकते हैं फॉर अ स्मॉल एग्जाम्पल वर्कर्स रिटायरिंग ओके अभी तू चाहे ना चाहे वर्कर्स एवरी ईयर अपना बर्थडे तो बनाएंगे ओके दे विल बी ग्रोइंग अप बाय वन ईयर ओके वन डे दे विल टच से रिटायरमेंट एज इयर्स सेयसटी फाइव ईयर्स वगैरह ओके तुम वर्कर को ये नहीं बोल सकता तू बुड्ढा नहीं होने का कभी तू इधर ही काम करता रहेगा ओके okay, अभी वैसा नहीं हो सकता सो सम वर्कर्स विल लीव ऑल दीज पर्टिकुलर थिंग्स तू चाहे ना चाहे ऑल दीज फैक्टर्स यू ऑल कांट यू ऑल कांट कंट्रोल होनी ओके okay? ये वाली चीजें तो होने ही वाली हैं चाहे आप जो भी कर लो ओके दीज आर कंट्रोल सॉरी दीज आर अनकंट्रोलेबल रीजन अनकंट्रोलेबल के अंदर इट कुड बी वर्कर्स रिटायरिंग इट कुड बी द वर्कर्स हुआ लिविंग फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स ओके दीज आर ऑल द रीजन्स जो अपने हाथ में नहीं होते अगर सपोज दस वर्कर्स इकट्ठे रिटायर हो रहे हैं तो दुखी तो हो सकता है लेकिन उसके लिए तो कुछ कर नहीं सकता ओके okay?

इतने बढ़ गए मैं सोच सकता हूं दुखी हो सकता हूं लेकिन कुछ कर नहीं सकता तो मैं उसके बारे में सो ऑल पर्टिकुलर थिंग्स आर अनकंट्रोलेबल लेकिन द द आर कंट्रोलेबल शुड ऑलवेज बी मैनेजमेंट ओके अभी एबनॉर्मल रीजन मतलब कंट्रोलेबल रीजन शायद कंपनी का गलती है अभी कंपनी का गलती मतलब सपोज अ वर्कर्स आर नॉट पेड वेल ओके दे आर नॉट गिवन दर टाइम दे आर नॉट ट्रीटेड वेल ओके एंड इन सम बिजार केसेस सम मेल वर्कर्स माइट लीव दर्गेनाइजेशन क्योंकि जो फीमेल वर्कर्स है उनको भाव नहीं देती इट कुड बी दैट पर्टिक्युलर थिंग ऑल इमेजिनेबल रीजन ओके अभी अगर लेबर टर्न ओवर इन चीजों की वजह से मेनली वो हो रहा है देन वी ट्राई टू बी सेट दीज आर फॉल्ट ऑफ द मैनेजमेंट एक्सक्लूडिंग द लास्ट वन ओके नाउ टू एंटरटेन द मेल वर्कस यू कैनॉट है मोर अमाउंट ऑफ फीमेल वर्कर्स ओके बट दीज आर द रीजन जो मैनेजमेंट की गलती है अगर आपको लगता है कि लेबर टर्न ओवर मेनली इन रीजन की वजह से वो हो रहा है तो अपनी जो एचआर की प्रैक्टिस हैं एच आर का फुल फॉर्म ह्यूमन रिसोर्स तो आपकी जो एचआर का जो डिपार्टमेंट है ना यू मेक देम स्पीक विद द वर्कर्स अपना एक एच का जो बंदा है कोई एक गुप्त बंदा उसको वर्कर्स की फोर्स के अंदर भी इंक्लूड करो किसी को पता ना चले एंड ट्राई टू फाइंड आउट लाइक यू नो दैट व्हाट आर द ग्रीवियंस ऑफ द वर्कर्स ओके दैट इज बेस्ट वे टू बी फाइंडिंग आउट दैट व्हाट यू ऑल कैन ट्राई टू बी डूइंग टू मेक द वर्कर्स हैप्पी ओके सो दीज आर ऑल द रीजन दैट एज सच आर कंट्रोलेबल ओके मैनेजमेंट हैज टू टेक अ प्रॉपर एक्शन ताकि लेबर टर्न ना हो क्योंकि जब भी लेबर टर्न वो होता है इट विल अफेक्ट द कंपनी टू अ ग्रेट 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 एक्सटेंट ठीक है तो दिस इज वॉट एवर इज मेंट बाय द टर्म लेबर टर्न ओके अभी लेबर टर्न के ऊपर या आई इसके फेवरेट क्वेश्चन है ओके लेबर टर्न मेजर करने के लिए ना मेजर करने के लिए बहुत लोगों ने अपने अपने विचार दिए तो आई सी हैज ट्राई टू अडेप्टोज पर्टिकुलर थिंग्स एंड इन दिस केस दे हैव ट्राई टू बी हैविंग थ्री व्यूज ओवर देयर ओके तो नाउ आई एम रीडिंग दिस पार्ट एंड देन वी स्टार्ट अवे विद क्वेश्चन नंबर सेवनटीन लेबर टर्न ओवर इज अ रेट एट विच द वर्क फोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन चेंज इज इन अ गिवन पीरियड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वर्कर्स लीव एन न्यू ऑर्गेनाइजेशन सॉरी एंड द न्यू वर्कर्स विल जॉइन इन देयर बाय कॉजिंग लेबर टर्न ओवर labor turnover is usually bad for any company as experienced workers leave and new workers join productivity and efficiency of the new workers will not be as good as the previous workers therefore cost of production shoots up labor turnover can be due to the normal reasons like retirement death workers becoming say handicapped while working to leaving for better prospects or abnormal reasons workers are not happy with the pay or working conditions इफ लेबर टर्न ओवर इज मेनलीर्मल रीजन शुड टेक अप्रोप्रिएट सेक्स टू ब्रिंग इट बैक टू द नॉर्मल ठीक है यह हो गया थोड़ा सा एक थियोरेटिकल पार्ट लेकिन अभी जो है थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल पार्ट और यह बहुत ईजी है ये ध्यान दे, देना एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे दे विल भी वेरी इजी ओके पढ़ना जरा प्लीज वट आर द्री वेज टू कंप्यूट लेबर टर्न ओवर एज ए टोल अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग अपने व्यूज दिए हम लोग वही वाले व्यू कर रहे हैं सेपरेशन मेथर्ड सेपरेशन मेथड के अंदर हम लोग लेबर टर्नओवर कैसे निकालते हैं बराबर से देखना नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू हंड्रेड नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड का मतलब क्या होएगा या वर्कर लोग खुद छोड़ के गए या मैंने लात मार के निकाल दिया इन एनी पर्टिकुलर केस वो न्यूमरेटर के अंदर आ जाएगा डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन हंड्रेड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कंप्यूट होता है दो मिनट के बाद पता चल जाएगा आगे. के के अंदर numerator के अंदर बस आता है कंपनी को कितने लोग छोड़ के गए ठीक है अभी उसके बाद second, replacement method. Replacement method के अंदर क्या आ जाता है? ध्यान से पढ़ना. नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड लेकिन आगे ये चीज है जो याद रखना एक्सक्लूडिंग द वर्कर्स ज्वाइनिंग ऑन एन एक्सपेंशन प्रोग्राम अभी उसका मतलब क्या जरा ध्यान से सुनो सपोज सेपरेशन मेथड के अंदर कुछ ऐसे हुआ सिक्सटी वर्कर्स खुद ब खुद छोड़ के गए चालीस वर्कर लोगों को मैंने हकाल डाला तो इन ऑल कितने वर्कर लोग फैक्ट्री छोड़ के गए हंड्रेड तो यहां पर न्यूमरेटर के अंदर हंड्रेड आ जाएगा ओके अभी जरा सोचो जब हंड्रेड लोग छोड़ के गए तो हंड्रेड वेकेंसीज भी तो अपने पास खुली गई ना हंड्रेड वेक के अंदर से कितने फिल कर दी वो यहां पर न्यूमरेटर के अंदर आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड रिप्लेस्ड का फुल फॉर्म नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ दोज लीविंग इन प्लेस ऑफ दोज लीविंग ओके सो नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड डिवाइडेड बाई सॉरी और आगे क्या लिखा हुआ है एक्सक्लूडिंग द वर्कर्स ज्वाइनिंग ऑन एन एक्सपेंशन प्रोग्राम पहले मेरे को एक चीज जरा बोलो 60 छोड़ के गए फोर्टी लोग को तो मैंने निकाल दिया तो अपने कितनी थी? 100. 100. 100. अभी मैंने ना एड वगैरह की जरूरत है ठीक है तो, तो, तो रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर न्यूमरेटर के अंदर यह वाला चीज थर्टी फाइव आएगा आपको बता सर आगे क्या लिखा हुआ है फिर ओके एक मिनट मैं ना एक और फैक्ट्री स्टार्ट कर रहा था मेरे को उसके लिए भी वर्कर लोगों की जरूरत थी मैंने उस एक्स्ट्रा फैक्ट्री के लिए ध्यान से सुनना मैंने 50 लोग और रिक्रूट किए सच थिंग्स आई एम नॉट इंटरेस्टेड ओके आई एम इंटरेस्टेड इन वर्कर्स रिक्रूटेड इन आगे बोलो रिप्लेसमेंट ऑफ इन प्लेस ऑफ लेफ्ट ठीक है तो रिप्लेसमेंट मेथड के अंदर यह वाला जो चीज है ना ये एक्सक्लूडिंग है एक्सक्लूडिंग है ठीक है अभी यह हो गया सेपरेशन मेथड ये हो गया तुम्हारा रिप्लेसमेंट मेथड यहां पे भी डिनोमिनेटर के अंदर तो वही वाला चीज आ जाएगा डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू 100 हंड्रेड ठीक है लेकिन अभी यहां पर आ जाएगा फ्लक्स मेथड अभी फ्लक्स मेथड का ना दो वर्जनस आया पहले मॉड्यूल के अंदर था ओल्ड और अभी मॉड्यूल के अंदर ओल्ड और न्यू दोनों है जब ओल्ड वाला फ्लक्स मेथड था ना तभी क्या था नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड बोले तो यही वाला चीज नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड प्लस रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड एक्सक्लूडिंग द वर्कर्स ज्वाइनिंग ऑन एन एक्सपेंशन प्रोग्राम तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ना दिस इज नथिंग बट इन दिस पर्टिकुलर केस तुम्हारा ये रिप्लेसमेंट मेथड वाला ही ओके okay. तो अगर मैं मेरा एग्जाम्पल बोलूं तो कितने वर्कर्स को सेपरेट आउट कर दिया था हंड्रेड उसके बदले में कितनी रिक्रूटमेंट हम लोगों ने कर दी थी थर्टी फाइव वो जो 60 वाला चीज है ना ओके वो 60 नहीं था वो मैंने वो कितना बोला था 50 बोला था ओके तो वो वाला चीज के बारे में बात नहीं करना ठीक है ये था ओल्ड फ्लक्स मेथड ओके टाइम्स बदले किसने बोला नहीं यार अभी ना मेथड वो बदल देते हैं तो ना फिर ये लगभग आई थिंक नाइनटीन की बात है आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द ईयर ओके बट अ न्यू फ्लक्स मेथड ऑल्सो केम ये जो न्यू वाला फ्लक्स मेथड था ना वहां पर क्या हुआ नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड जो पहले था वो अभी भी है लेकिन आगे जरा देखो क्या लिखा है प्लस रिप्लेस द पीरियड आगे पढ़ो इंक्लूडिंग द वर्कर्स ऑन एन एक्सपेंशन प्रोग्राम तो यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड जो हंड्रेड था वो भी आ जाएगा और मेरे को जरा बोलो यहां पर वो दोनों चीजें आ जाएंगी वो दोनों चीजें बोले तो थर्टी फाइव एंड फिफ्टी ठीक है ये जो थर्टी फाइव और फिफ्टी का टोटल है ना ओके ये जो मैंने ब्रैकेट के अंदर ज्वाइन किया चाहे इन दिस केस वो उनके बदले में आए जो छोड़ के गए या फिर जो न्यू वर्कर्स थे इन एनी इन केस ठीक है तो, तो दिस आल्सो कॉल्ड एज नंबर ऑफ एक्सेशन वाला ना नाम याद रखना तो कभी कभी अपने को काम में आ सकता है ठीक है बस वंस दिस पर्टिकुलर थिंग इज डन डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इनटू टू हंड्रेड ऑब्वियसली पूछ सकता है सर हर जगह पे एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है तो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैसे कंप्यूट होगा इट्स नंबर ऑफ वर्कर्स इन द बिगनिंग ऑफ द पीरियड प्लस नंबर ऑफ वर्कर्स एट द एंड ऑफ द पीरियड डिवाइडेड बाई टू ओके कितने वर्कर्स वो शुरू में थे कितने वर्कर्स एंड के अंदर थे दोनों को एडअप्ट करके डिवाइड बाई टू ठीक है और साथ में ना एक और चीज भी है इक्वालेंट एम्प्लॉई टर्न ओवर रेट वो मैं आपको क्वेश्चन के अंदर बताई देता हूं वंस यू विल नो वन टू एंड थ्री नो ओके ये वाला काम करना बहुत ईजी है ठीक है तो चलो सुनो अभी दीज थ्री थिंग्स यू ऑल नो नाउ मेरे ख्याल से मेरे को आपको ये वाला चीज वो लिखवाने की कोई जरूरत है बुक के अंदर है ठीक है आप लोग क्या करो क्वेश्चन नंबर एटीन पढ़ना मेरे को पार्ट वन का एक आंसर देना पार्ट टू का एक आंसर देना मेरे को पार्ट थ्री का दो आंसर देना ओल्ड मेथड और उसके बाद न्यू मेथड मेरे को दोनों मेथड्स के हिसाब से वो आंसर बताना ठीक है तुम्हारे पास चार मिनट है ऑल ओके okay, तुम लोग मेरे को आंसर बताओ ये वाला सम यहां से लेके यहां तक पढ़ो तुम लोग पॉइंट नंबर फोर की कोई जरूरत नहीं टेक केयर ठीक है ये वाला काम करो आगोश करेक्ट है प्रथम करेक्ट है महक करेक्ट है कुनाल करेक्ट है इंटू हंड्रेड बेटा यू कैन जस्ट डू कृतिका मेरे को चार आंसर बता बेटा मेरे को एक आंसर तुम अति बता ध्रुव करेक्ट है अच्छा सब लोग ना जिन लोग का आंसर में करेक्ट वगैरह वो बोल रहा हूं तो देव करेक्ट है सुनो 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 शुरू में वर्कर्स 900 थे एंड के अंदर 1100 हो गए ये 200 वर्कर्स कैसे बढ़े उसका भी स्टोरी इधर है वो स्टोरी एक बार देख लेना टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा शुरू में नौ थे एंड के अंदर ग्यारह कैसे हो गए तो एक बार चेक कर लेना कृतिका करेक्ट है बेटा सिमरन करेक्ट है हर्षी करेक्ट है टैली करो शुरू में 900 थे तो एंड में 1100 कैसे हो गए थिंक एवरीबडी इज गिविंग द करेक्ट आंसर ओनी मतलब सब लोगों का हो ही गया ठीक है सुनो आई टैली दैट पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट देखो शुरू में 900 थे उसके अंदर से 10 लोग खुद ब खुद छोड़ के गए

Average number of workers is equal to number of workers at beginning plus end divided by two. तो दिस विल बी नाइन हंड्रेड प्लस इलेवन हंड्रेड अपॉन टू इज इक्वल टू थाउजेंड सुनो अभी सब लोग एक काम करना मैं वो वाला काम वो नहीं करने वाला बट यू विल हैव टू बी डूइंग इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली आ, एक मिनट के लिए जरा वेट करना एंड देन यू ऑल कैन स्टार्ट सुनो मेरी बात सेपरेशन तो नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड सो टेन लोग खुद ब खुद छोड़ के गए फोर्टी लोगों को तो हम लोगों ने डिस्चार्ज कर दिया डिवाइडेड बाय थाउजेंड इंटू हंड्रेड एक बार इसका आंसर वो लिखना तुम लोग फिफ्टी अपॉन थाउजेंड हंड्रेड तो ये आ जाएगा फाइव परसेंट

थर्टी परसेंट तो आप लोग ऐसे बिल्कुल कॉपी करो आई वॉन्ट वंस दैट यू राइट डाउन द फॉर्मूला क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मेरे को काफी चीजों की जरूरत पड़ेगी ठीक है यू राइट डाउन द फॉर्मूलाज वंस इन द नोटबुक ऑल्सो जैसे ये वाला बॉक्स है तुम लोग वैसे अभी नोटबुक्स के ना कंप्लीट करो प्लीज सब लोग स्टार्ट करो average workers will be number of workers at the beginning year plus n divided by 2 you all start please Please write all the formulas, please. हो गया सबका yes, yes, एक सेकेंड बस yes, yes, जल्दी करो प्लीज सब लोग गाइस तुम लोग पांच मिनट का ब्रेक लो ओके देन आई स्टार्ट आफ्टर दैट ठीक है तो पांच मिनट का ब्रेक लो प्लीज सब लोग नहीं तुम लोग दो मिनट का ही ब्रेक लो आज मेरे को एक टारगेट है वरना कल तक मेरा पोर्शन नहीं होएगा ये वाला चैप्टर नहीं होएगा दिस यूल कैन राइट ऑल्सो इफ या एक मिनट के बाद लिखो वॉट एवर हाँ तो ये लिख लो एक बार और जितना लाइंस वो जहां जहां पे लाइंस तो आई हैव लेफ्ट आप लोग भी छोड़ सकते हो एम्प्लॉ टर्न ओवर रेट या फिर तुम लोग को अगर एक और वर्ड डाल सकते हो तो वो डालना ताकि एग्जैक्टली exactly जो है वो मैच हो जाए इक्वालेंट एम्प्लॉ टर्न ओवर रेट वो अगर वर्ड यहां पे डाल सकते हो तो इल बी बेटर इक्वालेंट एम्प्लॉ टर्न ओवर ये वो ही क्वेश्चन है बेटा तो हां बोलो तो था था। हाँ मैं बोल रहा हूँ मैं बोल जस्ट कॉपी डाउन दिस तो मैंने अभी तक कुछ वो बोला ही नहीं है सो जस्ट कॉपी डाउन दिस प्लीज एंड देन वी ऑल विल स्टार्ट इस क्वेश्चन का जो फोर्थ पार्ट है ना तो वो पेंडिंग है अभी तक तो वो स्टार्ट कर रहा हूँ सो जस्ट कॉपी डाउन दिस इक्वालेंट एम्प्लॉयी टर्न ओवर रेट सेपरेशन मेथड लीव वन लाइन रिप्लेसमेंट मेथड लीव वन लाइन फ्लक्स ओल्ड एंड नी हाँ जी जो आप लोगों ने लेबर टर्न जो निकाला था ना अभी तक ओके इस क्वेश्चन के ना वो एक मंथ का डेटा था यहां जरा देखो वो लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ वो वाला चीज वो लिखा हुआ है इफ दे विल एवर आस्क यू नो इक्वेलेंट एम्प्लॉय टर्न ओवर इज फॉर द एंटायर ईयर ओके जो ये वाला डेटा था एक मंथ का था जस्ट कन्वर्टेड इंटू वन ईयर ओके

या 365 डेज या फोर क्वार्टर्स या फिर बोलो आगे या फिर 12 मंथ्स तो ये वाला जो डेटा है ना वो बेसिकली एक महीने का था यू कन्वर्टेड इन टू वन ईयर नथिंग एल्स ओके सो दैट थिंग इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज इक्वालेंट एम्प्लॉई टर्न ओवर रेट हम लोग बस वही वाला चीज हर एक केस के ना निकाल रहे हैं ओके okay? तो आप लोग लिखो सेपरेशन मेथड के आगे वो अपना आंसर 5% था ना सो so 5% परसेंट वॉज फॉर वन मंथ फॉर ट्वेल्व मंथस इन दिस पर्टिकुलर केस ये आ जाएगा सिक्सटी परसेंट फिर यह जो था यह टू पॉइंट फाइव परसेंट था ऑब्वियसली फॉर वन मंथ बिकॉज सर आप बोलो अगर कभी यह वाला जो क्वेश्चन था एक क्वार्टर का होता तो देन वॉट यूल विल डू डिवाइड बाई डिवाइड बाई वन एंड देन यूल बी मल्टीप्लाइंग बाई फोर क्वार्टर नो ओके आगे इन टू ट्वेल्व मंथ्स ये कितना आता है वो देख लेना एक बार थर्टी परसेंट आगे फ्लक्स मेथड ओल्ड वाला अपना आंसर सेवन पॉइंट फाइव परसेंट था डिवाइडेड बाय वन इंटू ट्वेल्व तो ये नाइन्टी परसेंट आ जाएगा ये थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा थर्टी अपॉन वन इंटू ट्वेल्व तो ये आ जाएगा थ्री सिक्सटी परसेंट अभी इंस्टीट्यूट ने ना ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो दो बार पूछा था और पहले वो ओल्ड मॉड्यूल्स के अंदर वो वाला क्वेश्चन भी था ऑलमोस्ट ऐसा ही था लेकिन वहां पर ना जो मैंने टैली करवाया ना 900 हंड्रेड टू इलेवन वो चीज टैली नहीं होता था वो क्वेश्चन ही गलत था ओके okay? अभी ऐसा एग्जामिनेशन के अंदर हो सकता है दैट सम्स नो क्वेश्चन इज ओनली रॉन्ग ठीक है बट सॉल्व इट बेस्ड अपॉन द रोंग डेटा यू विल गेट योर मार्क्स ठीक है ऐसे क्वेश्चंस के लिए अगर कभी आ, वो इंस्टीट्यूट से ये जो ह्यूमन एरर्स हैं वो हो जाते हैं इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट इवन इफ योर आंसर इज रॉन्ग नो दे विल गिव यू द कंप्लीट मार्क्स ओके लेकिन ऑब्वियसली तुमको नहीं पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है ओके okay? वो यहां पर अपने क्लास के अंदर पता चल जाता है ओके okay? लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि तुमको बाद में पता चला दैट यू आर लाइक कोई क्वेश्चन ना कोई मैन्युफैक्चरिंग वो डिफेक्ट था इफ यू हैव अटेम्प्टेड इट यू शुड बी एबल टू गेट फुल मार्क्स दैट द इंस्टीट्यूट विल ट्राई टू गिव यू द ग्रेस मार्क्स ओनली ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन Now, तुमको ना यहां पर एक नोट वो लिखने का है जरा ध्यान से सुनना मैं तुम लोगों को क्या बोलने वाला देखो अगर कभी अगर कभी बराबर से सुनना अगर कभी सेपरेशन मेथड और रिप्लेसमेंट मेथड को ऐड करके फ्लक्स मेथड का आंसर आ गया दैट विल मीन आगे कोई बोल सकता है दैट विल मीन कंपनी ओल्ड फ्लक्स मेथड क्योंकि इसका और इसका और जो न्यूमोरेटर्स है ना दैट गेट्स एडेड टू फॉर्म दिस पर्टिकुलर थिंग ठीक है तो अगर ये और ये अप होके okay, ये वाला आंसर आ जाता है ना दैट मीन दैट कंपनी यूजेज ओल्ड फ्लक्स मेथड क्योंकि ये दोनों को एड करोगे तो ये वाला आंसर तो नहीं आता है ओके okay? बिकॉज so, ये जो ओल्ड और न्यू है ना दिस टर्म आई हैल्सो देर इज नो डिफरेंसिएशन ऑल्सो ओके बटर डिफरेंसिएशन फॉर यू ऑल इज अगर दोनों को एडअप करके फ्लक्स मेथड का आंसर आया है मतलब कंपनी यूज इज ओल्ड फ्लक्स मेथड अगर सपोज आंसर वो नहीं आया है तो कंपनी यूज इज न्यू फ्लक्स मेथड ये लाइन ना यहां पर लिख के रखना सर आप इफ बाय एडिंग separation method and replacement method. if by adding separation method and replacement method, comma, we get the answers of flux method, comma, it, flux method, repair flux repair. if by you, if by adding separation method and replacement method, we get the answer of flux method comma it means that company uses old flux method company uses old flux method full stop if not company uses new flux method if not company uses new flux method चलो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना क्वेश्चन नंबर नाइनटीन चलो पढ़ो दी कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड लेबर टर्न ओवर फॉर फॉर क्वार्टर एंडेड थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी थ्री तो ये ना क्वार्टर के लिए ही है पूरे साल वाले नहीं है क्वार्टर वाले ही हैं जैसे पिछले क्वेश्चन के ना हम लोगों ने मंथ वाले निकाल थे, पे के लिए निकाले थे यहां पर फॉर द क्वार्टर एंडेड थर्टी फर्स्ट थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एस टेन परसेंट एंड थ्री ठीक है अंडर ये देख लेना फ्लक्स मेथड रिप्लेसमेंट मेथड एंड सेपरेशन मेथड मेरे को जरा बोलो दिस मस्ट बी अ क्वेश्चन ऑन ओल्ड फ्लक्स मेथड की न्यू फ्लक्स मेथड न्यू क्योंकि ये पांच और तीन परसेंट को एड करके ना टेन परसेंट नहीं आता है मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है प्रॉब्लम इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ज्यूरिंग दैट क्वार्टर इज थर्टी फाइंड आउट द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंड ओके वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्टार्ट मे क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ऑफ लाइक यू नो You'll have to try to think कि सर मेरे पास क्या क्या आंसर्स हैं और मेरे को क्या क्या आंसर्स चाहिए ठीक है सुनो अभी तुम लोग क्या करो एक बार अपने पास ना इस क्वेश्चन के ना वो वाले तीन आंसर हैं जो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन के ना निकाले थे ठीक है और अपने पास ना ये वाला आंसर है थर्टी वाला ठीक है मेरे पास एक ही फिगर है इस क्वेश्चन के अंदर मतलब जो एप्सोल्यूट फिगर है ठीक है बाकी तो परसेंटेज ही है मेरे को बोलो मेरा सबसे पहला काम जो होगा ना विल बी ध्यान से सुन लेना विल बी टू फाइंड आउट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स विल बी टू फाइंड आउट एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ठीक है लेकिन अगर मेरे को एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए तो जरा देखो मेरे को ये आंसर्स भी चाहिए मेरे पास ये वाले आंसर्स तो है लेकिन मेरे को न्यूमरेटर भी तो चाहिए ना यार ओके ताकि एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स कुड बी अ बैलेंसिंग फिगर मेरे को बोलो ये वाला क्वेश्चन देख के ये जो थर्टी है ये जो थर्टी है दिस विल हेल्प यू टू फाइंड आउट मतलब ये जो थर्टी है चलो ये कौन से फॉर्मूला का न्यूमिनेटर वो बनेगा मेरे को वो चीज बोलना ये रिप्लेसमेंट मेथड का मेरे ख्याल से क्योंकि यहां पे वो लिखा हुआ है इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस्ड मेरे ख्याल से रिप्लेस का मतलब तो वही होता है रिप्लेस्ड इन प्लेस ऑफ दोंग उसका मतलब तो वही होता है ठीक है तो लेट स्टार्ट ओके तो यहां पर आइए क्वेश्चन नंबर इलेवन तो यहां पे ना हम लोग पहले रिप्लेसमेंट मेथड से सब कुछ स्टार्ट करेंगे एक नोट यू ऑल राइट लिखो नहीं दैट नोट इज देर इन द बुक ओनली ये एग्जाम्स के ना ये नोट लिखने की कोई जरूरत नहीं सो दैट्स ओके लिखो जरा प्लीज रिप्लेसमेंट मेथड इज इक्वल टू मैं नेक्स्ट साइन पे लिखता हूं क्योंकि द न्यू इज ऑलवेज क्वाइट बिग नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड ड्यूरिंग द क्वार्टर ऑल्सो लिखेगा तो भी चली जाएगा आगे वो एक्सक्लूडिंग वाला इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे दैट्स ऑल फाइन यू कैन कीप इट इन यर माइंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ वर्कर्स मैं क्या पागल हूं नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस ड्यूरिंग द क्वार्टर डिवाइड बाय नंबर एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन टू हंड्रेड अच्छा तो रिप्लेस वर्कर्स की जो कहानी है दिस इज फाइव अगर आपको पॉइंट जीरो फाइव लिखने का मन है मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है ओके मेरे को कोई दिक्कत नहीं है इट्स ओनली दैट फिर आप लोग इंटू हंड्रेड मत करना इफ इंटू हंड्रेड वी आर डूइंग देन यू राइट ओवर देयर एस फाइव ओनली ठीक है तो ये वाला फिगर थर्टी था शायद डिवाइडेड बाई एक्स आई जस्टर इन टू हंड्रेड मेरे को पहले एक्स का आंसर बता देना तुमको सिक्स हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ठीक है सुन एक्स विल बी सिक्स हंड्रेड वर्कर्स वो एवरेज है सो इट इज एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स नो ठीक है सुन अभी ना इसके बाद मैं क्या करता हूं आ, देखो अभी तुम्हारे पास सारे के सारे जो फॉर्मूलाज थे उसका डिनोमिनेटर तो आ गया तुम्हारे पास ठीक है अभी उसके बाद तुमको जो यूज करने का है वी ऑल कैन आई प्रेफरेबली ट्राई टू यूज द सेपरेशन मेथड फर्स्ट क्योंकि सेपरेशन मेथड के अंदर ना जो न्यूमरेटर होता है वो अपने को फ्लक्स मेथड के लिए भी काम में आता है इसलिए आई ट्राई टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग फर्स्ट ठीक है तो यहां पे यू ऑल राइट डाउन सेपरेशन मेथड इज इक्वल टू Number of workers rated during the quarter divided by average number of workers. सेपरेशन मेथड वॉज थ्री परसेंट बेटा लिख देना थ्री इज इक्वल टू एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो तो अपने पास 600 है अभी अपने पास ये वाली फिगर नहीं है अभी मैं कोई X लिखेगा तो कोई मेरे को बोलेगा कैन यू टेक एक्स टू आई सो आईल टेक इट अप एज दिस टाइम अपने इन टू हंड्रेडीन तो वाई इज इक्वल टू एटीन जस्ट कीप अ ट्रैक की एटीन क्या है बेटा इट इज दिस पर्टिकुलर फिगर ठीक है अच्छा मेरे को जरा बोलो जो रिक्वायर्ड पार्ट है ना एक ये है और एक ये है मेरे को दोनों में से किसका आंसर वो मिल चुका है सेकेंड का वर्कर्स लेफ्ट एंड डिस्चार्ज इन दिस पर्टिकुलर केस आर 18 दिस आई विल राइट डाउन वंस टुवर्ड्स द एंड ताकि इन दिस केस द थिंग्स आर वेरी क्लियर ठीक है अभी ऑब्वियसली लेकिन ये वाला चीज वो बाकी है वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइंट आई थिंक रिक्रूटेड बोले तो कितने वर्कर्स यहां पे रिक्रूट किए तो चलो ठीक है मेरे ख्याल से अभी एक ही चीज वो बाकी है दैट इज फ्लक्स मेथड ओके तो फ्लक्स मेथड के हिसाब से फिर आंसर वो निकालते हैं तो और क्या आई थिंक नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ज्वाइन शुड टेक्निकली मीन ऑल द वर्कर्स आर रिक्रूटेड एंड ज्वाइन नाइट बी इन प्लेस ऑफ दोज लिविंग और आगे बोलो बिकॉज ऑफ दी एक्सपेंशन स्कीम ये वाली चीज को हम लोग वैसे भी क्या बोल देते हैं नंबर ऑफ एक्सेशन अगर आपको वो वाला टर्म यूज करने आप वो, आप वो वाला टर्म भी यूज वो कर ही सकते हो तो अब यहाँ पे जरा लिखो फ्लक्स मैथड सुनो अभी नंबर ऑफ वर्कर्स रिप्लेस इंक्लूडिंग दोज वर्कर्स वगैरह ये वो मैं उसके बदले में ना आई यूज दैट टर्म या याद बी बेटर सो नंबर ऑफ एक्सेशंस सो दैट्स ओके इन एंड वी विल राइट डाउन वंस द फाइनल आंसर दैट विल बी फार बेटर तो डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इन टू हंड्रेड आगोश जो आपने डाउट पूछा वो करेक्ट है बट इट माइट हैपन कि लोग जो है पिछले पीरियड के ना छोड़ के गए थे और इस पीरियड के ना तो वो रिक्रूट किए ओके इट कैन हैपन नो लाइक है टेन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड आई राइट डाउन जेड ओवर हियर

बट दो सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट ओके उन लोगों ने जो पूछा हुआ है वर्कर्स रिक्रूटेड एंड ओके सो दे वॉन्ट ऑल द वर्कर्स विच वर रिक्रूटेड और दो पीपल हैड ओके तो उसके ना वो वाले भी वर्कर्स आ गए जो उनकी वेकेंसीज पे थे ओके okay, प्लस वो वाले भी आ गए जो एक्सपेंशन प्रोग्राम के अंदर थे ठीक है दे डोट वॉन्ट देशन ऑल्सो चलो सुनो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इज हैव डन जो भी मैंने थियरी वगैरह तो वो बोला था ऑल दो पर्टिकुलर थिंग्स जो है इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्न ओवर तो इन एनी केस लाइक यू नो वी ऑल है उसकी वजह से अपना जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि न्यू वर्कर्स विल ओके अभी क्या है इसके ऊपर ना आई हैव गुड क्वेश्चन ऑन हाउ टू फाइंड आउट कि लेबर टर्न ओवर वॉज गुड फॉर यू और बैड फॉर यू एक अच्छा क्वेश्चन है और दो बुरे क्वेश्चन है ओके ओकेल बोमै एक्सप्लेन करता हूं तो इन समाइम ठीक है आई एक्सप्लेन यू इन अ पर्सनल वे ठीक है सो आई विल जस्ट चेक आई एम नॉट वेरी श्योर वॉट आर आस्किंग आल रीड एंड आई रिप्लाई ओके सो अभी के uh, ये वाला जो क्वेश्चन है ना उसके लिए हम लोगों ने एक बार कोई ना कोई चैप्टर के अंदर कुछ ऐसा किया हुआ है किसी को याद होएगा तो बोल देना वैसे वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर था अगर मैं सेल्स के अंदर से सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मेरे को एक टर्म मिलता है दैट टर्म इज कॉल्ड एज वॉट किसी को याद है तो बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन बस मेरे को ये वाली जो चीज है ना इस क्वेश्चन के अंदर काम में आएगा अगर ये वाला क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आएगा तकरीबन मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली ट्वेल्व से सिक्सटीन मार्क्स का वो आना चाहिए ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू यहां पे ना कंपनी क्या कर रहा है कि कंपनी के पास वर्कर्स थे बट इट इज थिंकिंग वी विल ब्रिंग इन मोर मशीन्स ताकि द वर्कर्स कैन वर्क फास्टर लेकिन वर्कर्स विल ऑल्सो नॉट बी रिक्वायर्ड तो लेबर टर्न ओवर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन उस चीज के बारे में ठीक है।, है पढ़ेंगे सर प्लीज द प्रेजेंट आउटपुट डिटेल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट आर एज फॉलो एवरेज आउटपुट पर वीक फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट फ्रॉम वन सिक्सटी एम्प्लॉइज चलो ठीक है सेलेबल वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब आउटपुट कितने के अंदर बिक सकता है बोले तो सेल्स यार और कुछ नहीं वो छह लाख रुपए का मेड आउटपुट एंड प्रॉफिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट विल गिव यू कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन के अंदर से अगर मैंने फिक्स कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे को क्या मिल जाएगा प्रॉफिट okay, okay. क्योंकि सारे के सारे कॉस्ट तो सब्ट्रैक्ट हो ही गए तो एक चीज अगर सोचोगे ना हमेशा ऐसा ही होगा कॉन्ट्रीब्यूशन का एक हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ जाएगा आगे तुम लोग बोलो जो दूसरा है वो प्रॉफिट की तरफ होएगा। यहां पे वही वाला लाइन लिखा हुआ है कॉम्प्लीकेट करने के लिए बट देर इज नथिंग आई गेस कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय आउटपुट टूवर्ड्स फिक्स एक्सपेंसिस एंड प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज टूवर्ड्स फिक्स एक्सपेंसिस एंड प्रॉफिट ओनली ठीक है आगे द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्लान टू इंट्रोड्यूस मोर मेकनाइजेशन इन टू द डिपार्टमेंट

उटपुट पर इंडलॉ पर जो आउटपुट हैोस्ट कॉम्प्लीकेटेड लाइन इन क्वेश्चन बट टेक्निकलीट इज मोस्ट इजीएस्ट लाइन ध्यान से पढ़ना सब लोग टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू इंक्रीज दू अचीव द इंक्रीज आउटपुट लोग क्या बोलते हैं वर्कर लोग अपना आउटपुट 60 परसेंट से बढ़ाने वाला है तो उनको कुछ ना कुछ इंसेंटिव तो देना पड़ेगा तो फिर दो फिर बोर्ड टू ऑफर ध्यान से पढ़ो वन परसेंट इंक्रीज ऑन द पीस वर्क रेट पीस वर्क रेट बोले तो एसपीआर ऑफ रूपी वन पर यूनिट फॉर एवरी टू परसेंट इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट अचीव्ड वो लोग क्या बोलते हैं इन दिस केस ना करंटली वर्कर लोगों को हम लोग रेट पर यूनिट दे रहे हैं रेट पर यूनिट जो है उसका रेट कितना है वन पर यूनिट ठीक है अभी बोर्ड क्या सोचता है कि जब भी वर्कर अपना आउटपुट टू परसेंट से बढ़ा रहा है ना जब भी अपना वर्कर आउटपुट टू परसेंट से बढ़ा रहा है हम लोग उसका जो रेट है ना हम लोग जो उसका रेट है वो कितने परसेंट से बढ़ा देंगे वन परसेंट से तुमको ये वाला लाइन समझा मैं फिर से पढ़ता हूं टू प्रोवाइड द नेसेसरी इंसेंटिव टू अचीव द इंक्रीज आउटपुट द बोर्ड इंटेंस टू ऑफर वन परसेंट इंक्रीज ऑन दीस वर्क रेट ऑफ रूपी वन पर यूनिट फॉर एवरी टू परसेंट इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट अचीव बोलो क्या बोलते हैं कि जब भी वर्कर लोग आउटपुट अपना टू परसेंट से बढ़ाएंगे आगे तुम लोग बोलो हम लोग वन परसेंट से उनका रेट बढ़ा देंगे ठीक है और उनका करंट रेट कितना है मेरे को वो बोलो वन पर यूनिट तो अभी अभी ना मैं ये वाला एडजस्टमेंट खत्म कर ही देता हूं वेवर आउटपुट विल इंक्रीज बाई टू परसेंट द रेट इंक्रीजिंग बाई वन परसेंट मेरे को बोलो वर्कर्स विल बी गिविंग इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ हाउमच सिक्सटी परसेंट मतलब वी विल इंक्रीज द रेट बाय हाउ मच बोलो थर्टी परसेंट तो मेरे को बोलो करंट रेट पर यूनिट हम लोग क्या ऑफर करते थे वर्कर्स को वन रुपी वी विल इंक्रीज इट बाय थर्टी परसेंट मतलब जो न्यू रेट होगा दैट विल बी कितना रुपीज यार वन पॉइंट थ्री इज एट अंडरस्टूड टू एवरीबडी बस ये जो पूरा एडजस्टमेंट था ना इसका मतलब वही है ओल्ड रेट वाज वन न्यू रेट विल बी वन पॉइंट थ्री ठीक है आगे चल पड़ते हैं टू सेल द इंक्रीज आउटपुट इट विल बी नेसेसरी टू रिड्यूज द सेलिंग प्राइस बाय फोर चलो ठीक है कैलकुलेट एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन बोले तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रपोज चेंज एंड इवेल्युएट फॉर बोर्ड इंफॉर्मेशन डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द चेंज उन लोगों ने दो चीजें पूछा हुआ एक चीज क्या पूछा है भाई एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ बेटा ये वाला जो डेटा था ना ये एक हफ्ते का ही था ठीक है ये एक हफ्ते का ही था आप लोग एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल दो और उसके बाद एक एडवाइस भी देना कि वुड यू लाइक टू तो डू दिस पर्टिकुलर चेंज और नॉट मतलब ये मैकेनाइजेशन वाला जो काम है ना ये करने का है कि नहीं करने का है ठीक है सो so, हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यू हेंड्स आई लाइक टू गिव यू फ्यू थिंग्स आई वॉन्ट यू ऑल टू बी ट्राइंग ट्राइंगयर सेल्फ ओके तो लिखो सर आप प्लीज कैलकुलेशन ऑफ एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन सुनो मैं क्या करता हूं यहां पे लिख रहा हूं करंट यहां पे लिख रहा हूं प्रपोज्ड यहां पे लिख रहा हूं चेंज यहां पे ना ऐसे लिखना क्वांटिटी रेट अमाउंट क्वांटिटी रेट अमाउंट यहां पे रुपीज यू ऑल कैन राइट नाउ सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट दो लाइन छोड़ना विल बी गिविंग यू कॉन्ट्रीब्यूशन चलो सुनो एक काम करोगे क्या अगर पॉसिबल है तो यहां पे ना मेरे को दो लाइन्स चाहिए था सॉरी 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 तो वेरिएबल कॉस्ट के नीचे ना आई रिक्वायर्ड टू लाइन दैट वाज माय हिंट फॉर यू आई फॉर गॉट टू गिव इट तो यहां पे तो ऐसे करना सॉरी 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 अच्छा अब ना मेरी बातें जरा ध्यान से सुना एंड ट्राई टू तो रिस्पॉन्ड टू तो एवरीथिंग नाउ जरा बोलो करंट सेल्स कितने रूपीज का है सेल सेल्स सिक्स लैक्स तो यहां पे अमाउंट के अंदर लिख दो करंट सिचुएशन सिक्स लैक्स अच्छा को जरा बोलो करंट आउटपुट कितना था आउटपुट फोर्टी एट थाउजेंड तो यहां पर भी फोर्टी एट लिख देना यहां पर भी फोर्टी एट थाउजेंड लिख देना करंट अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रुपीज का था टू लैख फोर्टी थाउजेंड चलो सुनो जरा सिक्स लैक्स को फोर्टी एट थाउजेंड से डिवाइड करो अपने को सेलिंग प्राइस मिल जाना चाहिए और को से को से डिवाइड करो मेरे कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट हर यूनिट के ऊपर पांच रुपया कमाता है वो मिल जाएगा चलो सुनो अभी तुम्हारा काम है मैं नहीं इंटरफेयर कर रहा हूं लेकिन ना मेरा सबसे बड़ा हिंट ना मैं दे देता हूं यार मैं दे देता हूं मेरे को बोलो वेरिएबल कॉस्ट एनी कॉस्ट विच आर इनकर्ड ऑन पर यूनिट बेसिस एनी कॉस्ट मेरे को बोलो पूरे सम के अंदर उन लोगों ने मेरे को एक वेरिएबल कॉस्ट तो दिया मेरे को वेरिएबल कॉस्ट का नाम तो बताओ एक मिनट कोई भी कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट होती है तो वो वेरिएबल कॉस्ट होती है ठीक है मेरे को दो सबसे पॉपुलर वेरिएबल कॉस्ट के नाम तो बताओ अपना फर्स्ट लेक्चर ही उसी किसी उसके ऊपर था डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ना तो अभी एक काम जरा करो वन ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज डायरेक्ट लेबर अच्छा सुनो जो आपका डायरेक्ट लेबर है ना ध्यान से सुनना जरा करंटली आप लोग कितने यूनिट्स बना देते हो फोर्टी एट थाउजेंड मे को बोलो वट इज द रेट दैट यू आर पेंग करंटली वन रुपी तो ये आ जाएगा फोर्टी एट थाउजेंड कोई ऐसा पूछ सकता है सर यहां पे ना कुछ ना कुछ अपने को दिख रहा है कि बाकी भी वेरिएबल कॉस्ट होएगा एक मिनट सब लोगों को दिखाई दे रहा है कि यहां पे और वेरिएबल कॉस्ट भी होगा दैट वॉज माई बिगेस्ट हिंट दैट एक्चुअली आई हैव लीग आउट ओनली नाउ बट दैट्स ओके तो यहां पे लिख देना अदर्स फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट मेरे को एक मिनट साढ़े बारह के अंदर से पांच गया तो बच गया सेवन पॉइंट फाइव का एक वेरिएबल कॉस्ट था वन रुपी तो कितना बच गया बेटा सो फोर्टी एट थाउजेंड इंटू सिक्स पॉइंट फाइव थ्री लाख ट्वेल्व ठीक है सुनो अभी मैं आगे कोई हिंट वगैरह वो नहीं देने वाला आई हैव गिवन दिस पर्टिक्युलर हिंट क्योंकि क्या है इस कॉस्ट के बारे में ना पूरे सम के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं था ठीक है दैट वाज अ बिगेस्ट थिंग तुम लोग को स्ट्राइक वो होना चाहिए सर सेल्स दिया हुआ है दिया हुआ है सब वेरिएबल कॉस्ट आएगा लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सिर्फ लेबर कॉस्ट ही दिया हुआ है तो जो भी बच गया वो भी वेरिएबल कॉस्ट ही होगा लेकिन अदर वेरिएबल कॉस्ट तो अदर वेरिएबल कॉस्ट कैन मीन एनी टाइम थिंग इट कुड मीन से मटीरियल इट कुड मीन से वेरिएबल ओवर इट्स कुछ भी कुछ भी कुछ भी ठीक है आई एम नॉट गोइंग मच इन टू द टर्म्स बट आई हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट फॉर यू अभी तुम लोग क्या करो ये सारा का सारा जो इन लोगों का एक प्लान था ना तुम लोग वो एग्जीक्यूट करो ठीक है जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो तुम्हारा ये वाला स्टेटमेंट सारा का सारा बन जाएगा जब ये बन जाएगा व्हाट आई विल वांट दिस फिगर माइनस दिस पर्टिकुलर फिगर आई वांट दिस पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम यू ऑल आई वांट एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन ठीक है मेरे हिसाब से अगर तुम लोग ध्यान से वो सोचोगे ना तुम्हारा अप्रॉक्सीमेटली चार मिनट के अंदर ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट हो जाएगा लेकिन कैल्सी के ऊपर ही करना एक स्ट्रेंज हिंट देता हूं जो कोई भी तुमको नहीं दे पाएगा एक्सेप्ट मी ये जो आंसर आएगा ना कोई एक बॉलीवुड पिक्चर का नाम भी है ठीक है लेकिन अभी बॉलीवुड मत खेलना एंड थिंकिंग की आंसर क्या होगा आप लोग आंसर निकालो फिर सोचना वो बॉलीवुड मूवी थी कि नहीं थी ठीक है तुम लोग ट्राई करो तुम्हारे चार मिनट अब स्टार्ट हो रहे हैं अभी कोई बंदे ने एक फालतू आंसर लिखा श्री 420 ओके okay. तुम लोग मूवी का आंसर मेरे को मत बोलो डोंट शो ऑफ दैट रबिश नॉलेज ओके यू शो मी दिस पर्टिकुलर नॉलेज प्लीज मेरे को ये वाला आंसर बताओ आई विल डिसाइड वो मूवी थी कि नहीं थी मारो ट्राई तुम लोग दो मिनट तुम लोग चार मिनट और लो क्योंकि मेरे को नहीं लगता यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन क्योंकि ऑल आंसर्स दैट आई हैव आर ऑल डिफरेंट आंसर्स ठीक है ये मारो ट्राई थोड़ा सा सोचना मेनी थिंग्स विल चेंज मारो ट्राई बॉलीवुड पिक्चर तो बहुत लोग देख रहे हैं अभी मतलब चलो बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिया वेरी गुड सुनो वो 1920 आंसर आएगा और 1920 मेरे ख्याल से वो बहुत बार पिक्चर आ गई एक 1920 एक 1920 रिटर्न्स एक 1920 यू ऑल हैव एवर हर्ड ऑफ दैट फिल्म सर वो yes, भूतिया पिक्चर है वो हा चलो सुनो मेरी बात विल स्टार्ट नाउ एक्चुअली वो कॉमेडी फिल्म है इफ यू विल सी दैट इन अ प्रॉपर वे सुनो वो की नोट वन पहले ना वो 1.3 वाला जो काम है वो कर लेते हैं तो यहां पे लिखना न्यू एस पी आर आउटपुट उसके बाद रेट एक मिनट ऐसे लिखना इंक्रीज इन आउटपुट इंक्रीज इन रेट जब भी ये टू परसेंट से बढ़ेगा ये वन परसेंट से बढ़ाएंगे ये सिक्सटी परसेंट से बढ़ा तो ये थर्टी परसेंट से बढ़ाएंगे तो न्यू रेट पर यूनिट इज इक्वल टू वन प्लस थर्टी परसेंट इज इक्वल टू वन पॉइंट थ्री आर्यन uh, वो गलत है बाकी जिन लोगों ने भी आंसर्स दिया है मोस्ट ऑफ देम आर करेक्ट कृष गलत है महेश गलत है चलो सुनो तो यहां पे लिख देना 1.3 पॉइंट थ्री बट आई थिंक मेजर ऑफ द थिंग्स डिपेंड अपॉन न्यू आउटपुट या तो यहां पे लिखना न्यू आउटपुट सब लोगों न्यू आउटपुट फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड तो मिला था yes, वो तो मिलना चाहिए था तुम लोग को देखो तो पहले फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट बनते थे कितने एम्प्लॉज से बेटा वन सिक्सटी तो दिस वॉज आउटपुट पर एम्प्लॉय लेकिन अभी ये वाला फिगर कितने परसेंट से बढ़ जाएगा सिक्सटी परसेंट तो दिस विल बी न्यू आउटपुट पर एम्प्लॉई लेकिन अभी एम्प्लॉज कितने होंगे वन ट्वेंटी फोर तो 480 इंटू वन ट्वेंटी फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड यहां पर हर जगह पर फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड डालना चल सुनो ये वाला भी काम हो गया वर्किंग नोट नंबर थ्री मैं टाइम पास के लिए बना रहा हूं न्यू सेलिंग प्राइस पहले ट्वेल्व पॉइंट फाइव का सेलिंग प्राइस था अभी उन लोगों ने बोला कितने परसेंट से कम का डालेंगे फोर परसेंट तो ये ट्वेल्व रुपीज हो जाएगा अच्छा मेरे को एक बार बोलना कि अगर ऐसा कोई था तो सर फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट अभी भी बेचेंगे ट्वेल्व पॉइंट फाइव सर जो एक्स्ट्रा यूनिट्स हैं सिर्फ उसी के लिए सेलिंग प्राइस कम होगा किसी ने ऐसा सोचा था अगर नहीं सोचा था तो अच्छी बात है अगर सोचा था देन एल कंटिन्यू फर्दर किसी ने भी ऐसा सोचा था बाई डिफॉल्ट वी फॉलो इकोनॉमिक्स का फंडा एंड दैट थिंग इज इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज द डिमांड डिक्रीज द प्राइस एंड डिक्रीज द प्राइस तो ओवरऑल होनी बेटा आई एम नॉट से वैसा नहीं हो सकता यू माइट सेल फोर्टी एट थाउजेंड यूनिट बट बाई डिफॉल्टिफरेंशियल डिफरेंशियल प्राइसिंग लेना होगा सम विल वेरी क्लियरली टेल यू दैट ठीक है चलो तो यहां पर फिफ्टी सेवन सिक्स हंड्रेड इंटू ट्वेल्व ये सिक्स नाइनटी वन टू हंड्रेड आता है ये सेवनटी फोर एट एटी आता है ना ठीक है अच्छा सुनो अभी एक चीज शायद कॉस्ट शीट से आई विल बी एबल टू टेल यू कॉस्टीट से ओके एंड दैट थिंग इज इन दिस पर्टिकुलर केस ये वेरिएबल कॉस्ट है बेटा ये अदर्स भी जो है ये अदर वेरिएबल कॉस्ट ही है ना मेरे को जरा बोलो मैं 6.5 पॉइंट फाइव कॉपी मारू कि थ्री लाख ट्वेल्व थाउजेंड कॉपी मारू सिक्स पॉइंट फाइव बेट वेरिएबल कॉस्ट रिबी सेम पर यूनिट क्योंकि वो वेरिएबल कॉस्ट है हम लोगों ने कॉस्टशीट के अंदर तो मेरे ख्याल से काफी क्वेश्चन वैसे कर लिए थे ठीक है So ये वाली जो चीज है सिक्स पॉइंट फाइव ही रहेगा उसके बारे में तो इनफैक्ट सम के अंदर कुछ बोला ही नहीं था तो मतलब पर यूनिट सेम ही रहेगा ये कितना आ जाता है थ्री सेवेंटी फोर फोर हंड्रेड तो ये फोर पॉइंट टू आ जाएगा पर यूनिट ये टू फोर्टी वन नाइन ट्वेंटी आ जाएगा बस ना ये कोई लास्ट वाला नंबर ही चाहिए एक्चुअली और कुछ नहीं चाहिए चलो सुन अभी क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था कैलकुलेट एक्स्ट्रा वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन कर दिया वन नाइन टू जीरो वीकली ही था ना रिजल्टिंग फ्रॉम द प्रपोज चेंज एंड इवेलुएट फॉर बोध इंफॉर्मेशन डिजायरेबिलिटी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द चेंज ठीक है वो लोग तुम लोगों को क्या पूछ रहे हैं भाई ये वाला चेंज लाने का के नहीं ये वाला चेंज बोले तो मशीन लाने का के नहीं बेटा मशीन्स लाने का कॉस्ट है ना तुमको मेरे को बोलो मशीन्स खरीदने का तुम्हारा कॉस्ट कितने रुपीज का है 160 लेकिन तुमको समझ में आएगा यार वन लैख सिक्सटी एंड वन नाइन टू जीरो कैनॉट बी कंपेयर्ड ओनली क्योंकि वन नाइन टू जीरो इज एक्स्ट्रा एक वर्ड बोलो इट इज वीकली कॉन्ट्रीब्यूशन एंड वन लैख सिक्सटी इज कैपिटल कॉस्ट यार एक चीज याद रखना हम लोग कोई भी प्रपोजल तब एग्जीक्यूट करते हैं जब अपने को एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता है अगर आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है लेकिन अगर आपका फिक्स कॉस्ट उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो आप पागल थोड़ी ओ टू बी डूइंग इट ठीक है तो अभी क्या करें फिर चलो ठीक है लेट्स ट्राई तो आई वॉन्ट टू ओनली एक्सेप्ट दिस प्रपोजल इफ आई गेट एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो यहां पे लिख के रखना कैलकुलेशन ऑफ Extra weekly profit calculation of extra weekly profit. तो एक्स्ट्रा वीकली कंट्रीब्यूशन 1920 लेस एक्स्ट्रा वीकली फिक्स्ड कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल गिव यू प्रॉफिट तो यहां पर आ जाएगा एक्स्ट्रा Weekly profit. अगर यहाँ पे मेरे पास एक रुपया भी बचता है ना आई एम इंटरेस्टेड एक रुपया तो बचे यार अपने पास ओके okay. अभी सुनो. अभी ना तुमको सॉलिड दिमाग यूज करने का है. उतना दिमाग जितना आज तक नहीं यूज किया ठीक है दिमाग ज्यादा यूज करना है कैलसी शायद बहुत कम लेकिन आई लीव दिंग टू यू ऑल मेरे को तुम लोग ये वाला फिगर बता देना ठीक है तो ऑटोमेटिकली नीचे वाला जो नंबर है मेरे को मिल जाएगा एक मिनट से पहले बोला ना तुम्हारा आंसर गलत होएगा। तो एक मिनट तो खुद को दो एक मिनट के बाद बोलना ठीक है एक मिनट से पहले मत बोलो ट्राई अच्छा किसी ने आंसर दिया है थ्री जीरो सेवन सेवन किसी ने आंसर दिया है जीरो किसी ने आंसर दिया है वन थ्री 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 किसी ने आंसर दिया है वन फाइव थ्री एट चलो जिसने जीरो बोला है जिसने जीरो बोला है कैन यू टेल मी वाई जीरो फिक्स कॉस्ट विल नॉट लेकिन वो जो अपना कैपिटल कॉस्ट जो लगने वाला है उसका क्या करूं वो हर, नहीं 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 हर लेकिन कभी ना कभी मतलब वन लाख सिक्सटी का खर्चा तो, तो, तो हो रहा है उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा वो भी बात बराबर है या सर तो भी डेप्रीसिएशन के लिए लगता है वीकली डेप्रिसिएशन भी नहीं लगता चलो ठीक है नहीं तो अगर मैंने ऐसा किया तो कि मैं वन नाइन टू जीरो जो वीक मेरे को चलो ठीक है मेरे को तुम लोगों से वो क्वेश्चन से नहीं बात करना मैं तुम लोगों से कुछ और बात करता हूँ सोचना जरा क्या डेटा होना चाहिए था क्वेश्चन के अंदर जो नहीं था क्या डेटा होना चाहिए? नहीं फिक्स कॉस्ट नहीं लाइफ ऑफ लाइफ ऑफ जरा एक बार तुम लोग सोचना कि अगर सपोज इन दिस विल बी लास्टिंग फॉर फाइव इयर्स ठीक है तो मैं क्या करता डिवाइडेड बाय फाइव तो ये हो जाता पर एनम इंटू वन बाई फिफ्टी टू कर लेता ये वाला आंसर इधर डाल देता ये करने के बाद अगर आंसर पॉजिटिव आता है समझा ठीक है अभी ना ये वाला जो आंसर है ये इस क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हुआ ठीक है अभी ये वाला जो लाइफ है ना वो नहीं दिया हुआ अभी नहीं दिया हुआ तो इन दिस पर्टिकुलर केस इंस्टीट्यूट क्या बोलता है ध्यान से सुनना दैट वी अज्यूम दैट लाइफ इज इनफाइनाइट वी अज्यूम दैट लाइफ इज बोलो मेरे को इनफाइनाइट अभी इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है नाउ सेम अजम्पन नो वील ट्राई टू हैव इन आर सी ए फाइनल ऑल्सो ओके जस्ट जैसे कंप्लीस हाँ तो सेम अजाम्शन वी आर ट्राइंग टू बी हैव इन सी ए फाइनल ऑल्सो वेयर बाई वी ट्राई टू बी सींग कि अगर लाइफ नहीं दिया होना वी अज्यूम द लाइफ टू बी इन्फाइनाइट एंड इफ इट इज इंफानाइट वी नॉट प्रोवाइड फॉर समथिंग लाइक डेप्रिसिएशन वी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर सम लाइक डेप्रीसीशन तो ये ना एक डिफॉल्ट अजाम्पन है अगर कोई कैपिटल कॉज का लाइफ नहीं दिया हुआ वी अज्यूम द लाइफ टू बी ओके okay. और अगर इनफाइनाइट है तो यहां पर आंसर जो है वो कितना आ जाएगा नील यहां पे लिखिए नील लेकिन ना इसके लिए नोट जो आप लिखोगे ना वो चार मार्क का नोट होएगा वो वाला नोट यू हैव टू बी राइटिंग डाउन तो यहां पे जरा लिखना नील और उधर एक एस्ट्रिक मारो इधर एक एस्ट्रिक मारो और लिखो जरा प्लीज right now as life of capital cost is not given icai assumes life to be infinite and therefore it is not possible to provide for something like depreciation नहीं यार अगर लाइफ नहीं दिया हुआ ना सपोज लाइक यू नो इफ यू विल इन रियलिटी वो आस्क मी कि There are many things jiska life na. It is very difficult to estimate. For a small example, abhi I have a ERP system which I purchased in the last year. for rupees 5 lakhs. Okay. Abi ERP system ka kya life. Hoega? So there are many things that might not have a life. Okay. Some things might continue forever only. So if there is life, I say in costing, will always mention. If it is not there, then we assume it to be infinite. तो so, यहां पे एक लास्ट कंक्लूजन भी डाल दो एज देर इज एक्स्ट्रा वीकली प्रॉफिट कंपनी शुड इंप्लीमेंट दी प्रपोजल कंपनी शुड इंप्लीमेंट द प्रपोजल चलो मेरी बात सुनो देखो ये वाला भी जो क्वेश्चन है ना ये इंपॉर्टेंट मार्क करना ठीक है अभी तुम लोग क्या कर रहे हो ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन अपना लास्ट क्वेश्चन होगा ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट अ वे टू अल्टी फोर्थ ट्वेंटी थर्ड पढ़ो ऑलमोस्ट वैसा ही है सेल्स वेरिएबल एंड कॉस्ट प्रॉफिट मेरे को तुम लोग पढ़ के आंसर बताना दीज आर द उल्टा इफेक्ट्स ऑफ लेबर टर्न ओवर हाउ इट कैन बी बैड ओके ये वाला क्वेश्चन पढ़ो मैं तुमको तीन मिनट दे रहा हूं ओके okay, स्टार्ट कर सॉरी Yes. यस फर्स्ट वाला जो टेबल था जल्दी देख ले बेटा ठीक है ठीक एवरीबडी इज करेक्ट देखो इसी चीज को ना अभी मेरे को तुमको एक दो मेथड से बताने का है तो ध्यान से सुनना यू ऑल हैव रेड द क्वेश्चन सो माय माय नेक्स्ट स्टोरी इज एक्चुअली द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन होनी ठीक है ध्यान से सुनना सब लोग देखिए क्या था कुछ ऐसा लास्ट ईयर लास्ट ईयर अपने पास वर्कर लोग थे लास्ट ईयर थाउजेंड यूनिट्स जो थे हम लोगों ने प्रोड्यूस करके वो बेचे थे ठीक है तो सेल्स सेल्स मेरे को बोलो लास्ट ईयर अपने पास मेरे ख्याल से क्वेश्चन के अंदर सेलिंग प्राइस वगैरह तो है तो थाउजेंड इंटू सेलिंग प्राइस जो था कितने रुपीज का था बेटा टेन तो टेन थाउजेंड आ जाएगा ठीक है लेस वेरिएबल कॉस्ट थाउजेंड इंटू एट एट थाउजेंड आ जाएगा ठीक है बराबर से सुनना अभी मैं क्या बोलता है कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा टू थाउजेंड ठीक है तब अपना जो फिक्स कॉस्ट था ना कितने रुपीस का था फिफ्टीन हंड्रेड तो लास्ट ईयर हम लोगों ने प्रॉफिट कमाया पांच सौ रुपए का जैसे ही साल का लास्ट डे आया ना वर्कर लोग अपने पास आए बोलते सर हैप्पी न्यू ईयर मैंने बोला हैप्पी न्यू ईयर टू तो यू ऑल्सो बोलते सर हम लोग फैक्ट्री छोड़ के जाएगा बोला क्या पागल है नहीं सर ये फालतू कंपनी के अंदर अपने को काम नहीं करने गए okay, लोग चले गए लेबर टर्न तो हो गया नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर आई एम राइटिंग दिस ईयर 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 या फिर करंट आई राइट ठीक है दिस न्यू वर्कर्स रखे जब न्यू वर्कर्स वगैरह रखे ना अकल ना शक्ल ना टैलेंट तो कुछ कोई चीज ही नहीं तो उनके अंदर उनको ट्रेन किया रिक्रूट किया माय फिक्स्ड कॉस्ट विल राइज नो यार तो मेरा फिक्स कॉस्ट 1500 से बढ़कर कितने रुपीस का हो गया 1700 ओके वो मेरे ख्याल से सम के अंदर वैसे ही दिया हुआ है ठीक है और इस साल मेरे को लगता है न्यू वर्कर्स जो है ना ओके उनका स्पीड इतना स्लो है कि 900 यूनिट बनाकर ही बेच पाएंगे उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे तो नौ सो तो ये कितना आ जाएगा नाइन थाउजेंड होगा ना नौ सो ना बेटा ठीक है उसके बाद Uh, मेरा वेरिएबल कॉस्ट 900 हंड्रेड यूनिट्स इंटू एट तो ये 7,200 आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन कितने का आ जाएगा 1,800 तो मेरा जो प्रॉफिट है कम होकर कितना हो जाएगा 100 ठीक है तो अगर कोई मेरे को पूछता हाउ मच इज लॉस इन कॉन्ट्रीब्यूशन तो पहले जो था हम लोग 500 कमाते थे अभी हम लोग 100 कमाएंगे तो 400 सौ यहां पर हो जाएगा ठीक है सो अभी ना ये वाला चीज ध्यान से सुनना मेरे को इस डेटा की बहुत ज्यादा कोई जरूरत नहीं है for the next question. I'll require this. जरा सोचो ना, उन लोगों ने अपने को loss of, uh, profit पूछा हुआ है। है? है क्यों कम होता है? Sir, profit कम होता होता दो रीजन की वजह से ध्यान से सुनना और मेरे को बोलना ये दो रीजन समझे कि नहीं समझे फर्स्ट कॉन्ट्रीब्यूशन कम होगा तो प्रॉफिट कम होगा सेकेंड फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट कम होगा तुमको समझा है दो रीजन ठीक है तो मैं ना ये दो रीजन अलग अलग बात कर रहा हूं अभी ठीक है मैं ये दो रीजन अलग अलग बात कर रहा हूं डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे को अभी ये दो नंबर अलग अलग बोलो मेरे को बोलो कॉन्ट्रीब्यूशन कितने से कम हो गया बेटा टू हंड्रेड ना मेरे ख्याल से पहले दो हजार था अभी अठारह सो है तो कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो दो सौ रुपए से कम हो गया और फिक्स कॉस्ट कितने से बढ़ गया 200, हंड्रेड तो ये वाला फिगर 400 आ गया अभी मैं क्या कर रहा हूं ये 200 निकालने के लिए भी ना तुमको दो ऑप्शन दे रहा हूं बराबर से सुनना और वो ऑप्शन के लिए ना मैं यहां पर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना सेलिंग प्राइस टेन है वेरिएबल कॉस्ट एट है तो हर यूनिट के ऊपर आप लोग कॉन्ट्रीब्यूशन कितने रूपीज का कमाते हो टू रुपीज ठीक है हर यूनिट के ऊपर आप लोग दो रुपया कमाते हो अभी एक टर्म तुम लोग को याद रखने का है मार्जिनल कॉस्टिंग करके एक चैप्टर आएगा जहां पे हम लोग इसके ऊपर इतना रिसर्च करेगा ना ओके दैट यू ऑल विल बिकम मैड इन दैट चैप्टर समथिंग देथिंग ऑलरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो प्यार से हम लोग उसको बोल देते हैं पीवी रेशियो उसको हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो भी बोलते हैं पीवी रेशियो कैसे कंप्यूट होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू हंड्रेड ठीक है तो टू अपॉन टेन इंटू हंड्रेड बेटा कितना परसेंट आ जाएगा ट्वेंटी परसेंट ऑब्वियसली दिस 20% परसेंट इज नथिंग बट ट्वेंटी परसेंट ऑफ सेल्स इस 20% परसेंट ऑफ सेल्स का मतलब क्या होता है जब भी आप लोग सौ रुपया का सेल्स करेगा आगे तुम लोग बोलो का बीस रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन कमाएगा बीस रुपए का क्या कमाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन क्योंकि अस्सी रुपया कौन सी कॉस्ट के लिए निकल जाएगा वेरिएबल कॉस्ट के लिए इज दिस लैंग्वेज क्लियर इज दिस लैंग्वेज क्लियर ठीक है तो दिस इज पी वी रेशो सो ratio रेशो इज ट्वेंटी परसेंट ऑफ सील तुम लोग देख सकते हो दस हजार का ट्वेंटी परसेंट मारेगा ना यही आ जाएगा इसका ट्वेंटी परसेंट मारेगा ना यही आ जाएगा ठीक है अभी देखो मैं तुमको ये चार सौ रुपया दो और मेथड से कैसे बता सकता हूं ओके इनफैक्ट यह चार सौ कहने से ये दो सौ रुपया और कैसे बता सकता हूं मेरे को जरा बोलो लेबर टर्न ओवर की वजह से एक नंबर बोलना कितने कम बने और बिके सौ तो सौ यूनिट हर यूनिट के ऊपर बेटा कितना रुपीस कमाने वाला था टू रुपीस दो, दो, ये टू रुपीस ये है प्लीज कभी ये मत बोलना सर दस रुपया कमाने वाले थे नहीं बेटा दस रुपया तो कस्टमर देता है आठ रुपया तो मेरा गुड्स बनाने का खर्चा है तो जो मैं कमाने वाला था दो रुपया है इज इज ओके हंड्रेड एट द रेट ऑफ टू रुपीज इज 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 ओके ठीक है लेकिन मेरे को ये वाला मेथड नहीं चाहिए मेरे को दूसरा वाला चाहिए मेरे को जरा बोलो कितने रुपीस का सेल्स लूज हुआ कितने रुपीस का सेल्स लूज हुआ सेल सेल सेल्स तो मैं क्या कर लेता हूं थाउजेंड रुपीस का सेल्स लूज हुआ लेकिन मेरे को सेल्स लॉस नहीं चाहिए मेरे को क्या चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस मेरे को क्या चाहिए कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस तो जो कॉन्ट्रीब्यूशन लॉस है ना बेटा वो कितने परसेंट का है ट्वेंटी परसेंट सेल्स से कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए सेल्स से कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए किसे मल्टीप्लाई किया जाता है पीवी वी रेशो से सेल से कंट्रीब्यूशन तक पहुंचने के लिए किसे मल्टीप्लाई किया जाता है तो पीवी वी रेशो से मेरे को ना नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो काम में आएगा वो मैं अभी तुमको हाईलाइट करके दिया अभी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे सॉल्व करने वाला हूं क्योंकि उसके उस क्वेश्चन के ना जो डेटा है ना बहुत कम दिया हुआ है तो अल्टीमेटली मेरे को नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कुछ ये वाले मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है तुम लोग इस क्वेश्चन का जो आंसर है अभी टू अपॉन टेन इंटू हंड्रेड मतलब अगर तूने सौ रुपए का सेल्स किया अस्सी रुपए का तेरा वेरिएबल कॉस्ट जाएगा तो अल्टीमेटली तेरी जेब के अंदर बीस रुपए आएगा कस्टमर ने सौ रुपया दिया लेकिन अस्सी रुपया तो तेरा प्रोडक्ट बनाने का खर्चा है तेरा मटेरियल लेबर वगैरह सो योर पीवी वी रेशो गिवस यू रिलेशनशिप बिटवीन कि अगर सेल्स इतने रुपीज का हो रहा है तो कंट्रीब्यूशन कितने का मैंने वो वाला जो रिलेशनशिप है अभी फिर वो इधर यूज किया अगर हजार का सेल्स लूज हुआ इन टू ट्वेंटी परसेंट इतने का लूज हो गया ठीक है yes, ये कॉपी कर लो प्लीज ये रेड वाला पार्ट नहीं करो मैं करता। पहले ये कॉपी कर लो फिर उसके बाद नीचे वाला पार्ट कॉपी करना वो लिख देता हूं चलो क्या है कि एक चैप्टर आएगा जहां पे वो वाला फॉर्मूला हम लोग सौ या डेढ़ सौ बार वो लिखेंगे इसके लिए ठीक है चलो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इन टू हंड्रेड आगे अगर लिखना है तो ऐसे फिर ही दो वो बराबर से क्या है सैंपल क्वेश्चन फॉर अस वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन ताकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकें ये क्वेश्चन वो मैंने बनाया हुआ है चलो ये लिख दो तुम लोग फिर ऐसे लिख दो इसका माइक चालू है हम्म हाँ वो अभी कर रहा हूं बेटा ये सब लोग प्लीज बराबर से लिखना हंड्रेड यूनिट्स एट द रेट ऑफ रुपीज टू पर यूनिट और थाउजेंड रुपीज इंटू ट्वेंटी परसेंट तो सो अब में प्रॉफिट आएगा ना सर 400 ये वाला ना हाँ ये डिक्रीज इन प्रॉफिट होना चाहिए बेटा हाँ एक मिनट बस हम्म बीस सेकेंड नोट दे रहा हूं जिसका वो नहीं हुआ प्लीज फटाफट खत्म करो चल सर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना लास्ट क्वेश्चन होएगा। अभी ये वाला क्वेश्चन ना इंस्टीट्यूट ने तकरीबन फोर्टीन टाइम्स वो पूछा हुआ है इन एग्जाम्स ओके फोर्टीन टाइम्स अराउंड छह या सात साल पहले वो लोग इसका आंसर मॉड्यूल के अंदर जो डालते थे वो रॉन्ग था अभी जो है थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है लेकिन चलेगा आंसर आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू दैट पर्टिकुलर आंसर ओनली जो इंस्टीट्यूट का है पिछले काफी सालों से ओके okay, ये आईसीए का एक फेवरेट क्वेश्चन वो होता था अभी काफी सालों से दिस क्वेश्चन इज नॉट बीइंग आस्क्ड तो अगर तुम्हारे अटेम्प्ट से एक अटेम्प्ट पहले ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया इट टू बी वेरी इंपॉर्टेंट देन ठीक है तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं अभी ठीक है लास्ट क्वेश्चन आज का पक्का पढ़ी द मैनेजमेंट ऑफ इन एंड आउट लिमिटेड आर वरीड अबाउट देयर इंक्रीजिंग लेबर टर्न ओवर ऑब्वियसली कंपनी का नाम ऐसा फालतू वो रखेगा तो वही होगा तेरे साथ ओके

अगर कभी लेबर टर्नओवर तुम्हारी कंपनी के ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है ना यू शुड हैव अ सिस्टम ऑफ एग्जिट इंटरव्यूज तुमको मालूम है कि एग्जिट इंटरव्यूज वो क्या होता है yes. अभी फॉर अ स्मॉल एग्जांपल अभी तुम लोग इधर आर्टिकलशिप वगैरह वो कर रहे थे ठीक है तो वो सी भी बन गए तो सोचा कि उधर ही जॉब करता हूं ठीक है दो तीन साल उधर जॉब किया फिर यू पुट डाउन योर पेपर्स मेरे को काम नहीं करने का है ठीक है बिग कंपनी के अंदर क्या होता है वर्क हिम सेल्फ रिजाइन दिम से ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट रेजिग्नेशन ऑल्सो जो भी तुम्हारा ड्यूज वगैरह था सब पे कर दिया ठीक है तुम लोग को बोल दिया दिस इज योर लीविंग लेटर नाउ नाउ यू कैन लीव ठीक है वंस एवरीथिंग इज सेटल्ड ना मोस्ट ऑफ द कंपनीज जिनका एच आर डिपार्टमेंट होता है जो अच्छे एम्प्लॉयज इफ दे आर लिविंग उन लोगों से सारा ये पेपर वर्क के बाद वो पूछा जाता है भाई तो एक बार आओ हमारे साथ चाय या कॉफी पियो और ये बताओ कि तुम छोड़ के क्यों जा रहे हो दैट टाइम वट एवर द एम्प्लॉय सेज नो विल बी यूजली अ वेरी ऑनेस्ट काइंड ऑफ अ थिंग तुमको ये चीज समझा जो मैं बोला लाइक यू नो कि वो कंपनी क्यों छोड़ के जा रहा है ओके okay? कि सपोज लाइक यू नो वी वर नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली दर्स फॉर वे टू मच ओके Uh, जो प्रमोशन था जो ड्यू था तो वो दिया नहीं मेरे को किसी और बंदे को वो दे वो दे दिया क्योंकि वो चापलूसी वो बहुत ज़्यादा करता था सो दैट टाइम ना द रिव्यूज दैट यू विल बी गेटिंग और द आंसर्स दैट यू विल बी गेटिंग फ्रॉम योर एम्प्लॉयज़ विल बी फार मोर ऑनेस्ट एज सच ओके क्योंकि अभी उनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है अभी वो डरता भी नहीं है बिकॉज ये हैव गॉड द रिलीविंग लेटर एंड सो ऑन ओके

तो उन लोगों को क्या चाहिए कि ना लास्ट ईयर लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट लूज हुआ था ड्यू टू लेबर टर्न ओवर याद रखना लेबर टर्न ओवर हो गया पिछले साल हो गया उनको पिछले साल का ही तुम लोगों से डेटा चाहिए कि ना लेबर टर्न ओवर की वजह से उनका प्रॉफिट कितना नीचे गया दे वॉन्ट दैट पर्टिकुलर थिंग कितना प्रॉफिट यू द रिक्वायरमेंट ओके okay. उनको लास्ट ईयर लेबर टर्नओवर हो गया उनको भी तुमसे लास्ट ईयर का ही डेटा चाहिए कि लास्ट ईयर लेबर टर्नओवर की वजह से आगे बोलो तुम लोग प्रॉफिट कितना प्रॉफिट कम हुआ, हुआ था ठीक है आगे अभी तुम्हारा क्वेश्चन जो है यहां से स्टार्ट हो रहा है ठीक है पढ़ो लास्ट ईयर सेल्स अमाउंटेड टू एटी थ्री लैख थ्री थाउजें थ्री हंड्रेड एंड द जीपी रेशो दैट्स पीवी रेशो वॉस ट्वेंटी परसेंट तुमको मालूम है कि पीवी रेशो भी क्या होता है The total number of actual hours worked by direct labor workforce was 4,45. As a result of delays by the personal department in filling of the vacancies due to labour turnover, personal department just staff ka recruitment karta hai, hai. As a result of the delays by the personal department in filling of the vacancies due to labour turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. The actual direct labour hours included 30,000 hours attributable to the training of the new recruits, of which half of the hours were unproductive. कॉस्ट इन कड कॉन्सिक्वेंस इज ऑन लेबर टर्न ओवर कॉन्सिक्वेंट ऑफ लेबर टर्न ओवर रिवीलिस तो वो लोग क्या बोलते हैं कि लेबर टर्न ओवर हुआ उसकी वजह से तुम्हारे कॉस्ट जो है इतने से बढ़ गए सेटलमेंट कॉस्ट रिक्रूटमेंट कॉस्ट सिलेक्शन कॉस्ट एंड ट्रेनिंग कॉस्ट ये तुम्हारे सारे के सारे फिक्स कॉस्ट है मैं गुजरा बोलो तुम्हारा प्रॉफिट कम होता है बिकॉज ऑफ टू रीजन विच आर दो पर्टिकुलर टू रीजन इनबॉल इन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट इंक्रीज पक्की बात है वो लोग हमेशा ना तुमको इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली देंगे तुमको बस तुम्हारा दिमाग यूज करने का है फॉर फाइंडिंग आउट हाउ मच वॉज ए डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन तुमको बस वही वाला पार्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं ठीक है तो ये चारों का जरा टोटल मारो एक बार कितना आता है मेरे को बता देना थ्री एट हंड्रेड ना किसने लिखा है ठीक है ठीक सुनो अभी ना लास्ट थ्री लाइंस तुम लोग ध्यान से आंखें खोल के पढ़ने का ट्राई करना और सोचना कि पिछले क्वेश्चन के अंदर भी हम लोगों ने यही वाला काम किया था अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्न ओवर कुड बीन सोल्ड एट प्रिवेलिंग प्राइसेस

वो बिक जाते प्रिवेलिंग प्राइसेस पे प्रिवेलिंग प्राइसेस मतलब टेन रुपीज मेरे को बोलो अगर प्रोडक्ट दस रुपए के ऊपर बिकता तो तुम लोग कमाता कितना दो, रुप। दो रुपया तो जरा सोचो जब मैंने यहां पे हंड्रेड यूनिट्स इंटू टू किया है आई हैव एग्जीक्यूटेड दैट लाइन नो अज्यूमिंग दैट पोटेंशियल प्रोडक्शन लॉस्ट बोले तो हंड्रेड यूनिट्स Could have been sold at prices. मतलब दस रुपया अगर दस रुपए के ऊपर बेचते तो दस रुपए के अंदर से आगे बोलो कुछ दो तो दो रुपया ही तो कमाते हैं ना तो मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर भी एक्जैक्टली exactly वही वाला काम किया था अज्यूमिंग प्रोडक्शन लॉस कुट प्रिवेनिंग प्राइसेज तो उन लोगों ने उसके बाद क्या बोला फाइंड आउट द प्रोफिट फोर गॉन ऑन द अकाउंट ऑफ लेबर टर्न हो तो बेटा फिर मेरे को दो ही चीजें चाहिए अभी प्रोफिट गेट्स लॉस बिकॉज ऑफ टू थिंग डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यून इंक्रीज इन फिक्स कॉस् चलो ठीक है इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट तो डायरेक्टली है बस अपने को यहां पे डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन अपना सम खत्म हो जाएगा ये क्वेश्चन नॉर्मली जब पूछा जाता है एट मार्क्स के लिए पूछा जाता है ठीक है तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन तो यहां पर एक टाइटल देना कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस विल बी नथिंग बट डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस इंक्रीज इन फिक्सड कॉस्ट इंक्रीज इन फिक्सड कॉस्ट बेटा जो चार चीजें हैं ना वो इधर लिखना उसका टोटल वन वन थ्री एट हंड्रेड है फिर ये दोनों को एड कर देंगे तुम लोग ऐसे काटे नहीं मारना प्लीज यू राइट डाउन द नंबर इन अ फिगर्स प्लीज यहाँ पे वो नाम लिखना है यहाँ पे अमाउंट लिखना एक सेकेंड हास हो गया बेटा ठीक yes, है चलो सुनो मेरी बात देखो तुम लोग ना ये वाला जो पैराग्राफ है सेकेंड पैराग्राफ जो है ना सब लोग एक बार ध्यान से पढ़ना ध्यान से पढ़ना यहां से लेके यहां तक फिर तुमको दो क्वेश्चंस पूछता है ये वाला पैराग्राफ पहले ध्यान से पढ़ो सब लोग पढ़ लिया नाउ आई एम आस्किंग ऑल क्वेश्चन मेरे को बोलो कितने आर्स वर्कर लोगों ने काम किया था 445. वर्कर लोगों ने कितने घंटे काम किया था फोर लैख फोर्टी फाइव मेरे को अभी सोच के बोलना 45. उसके अंदर वन लाख वाला जो नंबर है इंक्लूडेड है कि नहीं है नहीं है क्योंकि आई थिंक फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड आवर्स तो काम किया था और वन लाख आर्स तो बेटा लूज ही हो गए क्योंकि दे वॉज अ डिले इन रिक्रूटमेंट इज दिस क्लियर कंप्लीटली ठीक है कंप्लीटलीकेंड क्वेश्चन इज थर्टी थाउजेंड पार्ट ऑफ फोर लैक यस आई थिंक वो तो दिया भी हुआ है एक्चुअल हो इंक्लूडेड ओके वो तो है ही है ठीक है चलो सो इस क्वेश्चन के अंदर पीवी वी रेशियो इज ट्वेंटी परसेंट तो देखो जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था ना ये वाला मेथड मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के अंदर ओके okay, मतलब ये वाला ये थाउजेंड रुपीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा था डिक्रीज़ इन सेल्स मैं उसको सेल्स लॉस्ट बोलेगा तो भी चली जाएगा आई थिंक ठीक है इट कुड बी सेल्स लॉस ठीक है सेल्स लॉस ड्यू टू लेबर अटन ओवर तो इस क्वेश्चन के अंदर जब मेरे को वो वाला नंबर मिल जाएगा ना ओके okay, तो मैं क्या करूंगा वो वाला नंबर इधर घुसा दूंगा इन टू ट्वेंटी परसेंट दैट्स योर पीवी रेशो इस क्वेश्चन के अंदर भी जो पीवी रेशो है वो ट्वेंटी परसेंट है तो ऐसा डाल के रख दो और ये वाला फिगर अपने को लाने का है बस पूरा दिमाग अभी इसी के लिए जाएगा प्रथम वो करेक्ट नहीं है अच्छा देखो अभी इस क्वेश्चन के अंदर मेरे को एक बार खुद ब खुद रिप्लाई कर देना नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ये डेटा तो है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर ये मानते हो yes, yes. इस के अंदर अपने पास कोई सेलिंग प्राइस वगैरह नहीं है तो इसलिए ना मैं यहां पे यूनिट्स और पर यूनिट वाला डेटा कर ही नहीं सकता तो इस क्वेश्चन के अंदर ना मेरे को यही वाला मेथड करने का होगा ठीक है कि कितना सेल्स लॉस्ट हुआ रुपीज के अंदर पीवी वी रेशो मेरे पास है तो वो कोई टेंशन वाली बात नहीं है ठीक है तो अब ना मेरे को सेल्स लॉस चाहिए मेरे को क्या चाहिए कि लेबर टर्नओवर की वजह से कितने रुपीस का क्या लूज हो गया सेल्स लूज हो गया मेरे को वो वाला डेटा चाहिए अगर तुमको ये वाला डेटा चाहिए कि कितना सेल्स लूज हो गया कितना सेल्स लूज हो गया ठीक है तो ध्यान से सुनना मेरे को बोलो इस क्वेश्चन के ना किधर भी यूनिट्स का डेटा है यूनिट्स का थोड़ा सा भी डेटा है क्या नहीं ना तो देखो तुमको एक और चीज बोलता हूं अगर यूनिट्स का डेटा नहीं है तो मारो बोली मैं क्या बोलता हूं आर्स आर प्रपोर्शनल टू यूनिट्स एंड यूनिट्स आर प्रपोर्शनल टू सेल्स देयर फोर आर ऑल्सो प्रपोर्शनल टू सेल्स तुमको समझा जो मैंने बोला ज्यादा घंटे काम करेगा तो ज्यादा यूनिट्स बनाएगा ज्यादा यूनिट्स बनाएगा तो आगे बोलो ना तुम लोग ज्यादा सेल्स होएगा, तो मोर आवर्स विल मीन मोर यूनिट्स ऑलवेज इट इज इनकर्ड फॉर एवरी यूनिट मोर यूनिट्स विल मीन मोर सेल्स मतलब मोर आवर्स विल इनडायरेक्टली मीन मोर सेल्स ठीक है तो अभी अभी मेरे को ना तुम लोगों से बस दो नंबर चाहिए एक्चुअली और कुछ नहीं चाहिए देखो लास्ट ईयर इतने रू याद रखना है सारा का सारा क्वेश्चन लास्ट ईयर का है इस साल का नहीं है लास्ट ईयर का ही है लास्ट ईयर दिस वाज एक्चुअल सेल्स भी लास्ट <coughs> ईयर ये एक्चुअल सेल्स था ठीक है तुमको मेरे को क्या बोलना है सर ये सेल्स कितने यूनिट्स बेच के हुआ था वो तो तुम लोग मेरे को बता ही नहीं सकते ओके okay, ये तो तुम लोग मेरे को बता ही नहीं सकते क्योंकि अपने पास यूनिट्स का इस क्वेश्चन के नहीं है लेकिन वो यूनिट्स बनाने के लिए नॉर्मली कितना आर्स लगता है तुमको मेरे को ये वाला नंबर बताना है दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट सेकेंड थिंग उसके बाद पूछेगा लेकिन आराम से यह वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ो मैं एक लाइन बोल देता हूं उसके बाद रिप्लाई करना अभी नहीं करना कितना आर्स काम करके उतना यूनिट्स बना था जिसका सेल्स वैल्यू एटी थ्री लैख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड था इज दैट ओके तुमको क्वेश्चन समझा मेरा कितना आर्स काम करके उतना यूनिट्स बना था जिसका सेल्स वैल्यू एटी थ्री 3000 थ्री थाउजेंड थ्री और याद रखना ये लास्ट ईयर का डेटा है जब लेबर टर्नओवर हो गया ओके okay. मेरे को अभी तुमको कैल्सी कम चाहिए अक्कल ज्यादा चाहिए आराम से सोचो फिर से जो तुमको बोलने का है तुम्हारे हिसाब से करेक्ट है वो बोलना हमेशा की तरह आई एम राइटिंग टॉप टेन आंसर किसने बोला फाइव फिफ्टीन किसने बोला फाइव लैक्स किसने बोला फोर लैख थर्टी किसने बोला फोर लैख फिफ्टीन किसने बोला फोर लाख फाइव लैख थर्टी अभी किसी ने बोल दिया फाइव लैख फोर्टी सब ऑप्शन आप्ष, सब ऑप्शन तुम लोगों ने मेरे को दे दिए सुनो मेरी बात पहले मेरे को बोलो एटी थ्री लैख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड इज इट रिड्यूस सेल्स और इज इट ऑल इट इज रिड्यूस सेल्स नो ओके मतलब लेबर टर्न ओवर हो गया था इतने आर्स लूज हो गए थे जो भी बचे हुए वर्कर थे उन लोगों ने कुछ घंटे काम किया रहेगा वो घंटे काम करके उतना यूनिट्स बनाया था जिसका सेल्स वैल्यू एटी थ्री लाख थ्री थाउजेंड ये लाइन समझा तुम लोग को बेटा ये लास्ट ईयर का ही डेटा है ना सारा का सारा अगर ये लास्ट ईयर का ही डेटा है मतलब तुम लोगों ने और लास्ट ईयर वही वाला साल है जब लेबर टर्नओवर हो गया उन लोगों ने वही तो लिखा हुआ इधर ओके दे वांट यू टू हैव द आइडिया ऑफ प्रॉफिट फॉर गॉन एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर टर्न इन द लास्ट ईयर और लास्ट ईयर वही वाला साल है जब लेबर टर्न हो गया ठीक है तो एक तो ये वन लाख के बारे में बात भी नहीं करना तुमको समझा क्यों नहीं बात करना क्यों नहीं बात करना बोलो चलो क्योंकि ये आर्स के अंदर तो कुछ काम ही नहीं हुआ क्योंकि तभी तो वर्कर ही नहीं थे तो सेल्स उसकी वजह से वो थोड़ी हुआ yes, तुमको yes, समझ में आता है तो व्हाट आई एम टेलिंग यू लेडीज एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल्स दैट 83 लाख 3300 वाज़ द सेल्स बिकॉज ऑफ सम नंबर ऑफ यूनिट्स एंड दोज यूनिट्स हैड बीन प्रोड्यूस्ड उन यूनिट्स को बनाने के लिए कितना आर्स गया आई एब्सोल्युटली डोंट थिंक की वन लाख का कुछ भी उसके अंदर पार्ट आने वाला है क्योंकि वन लाख आवर्स के अंदर तो अपने पास वर्कर ही नहीं थे इज दिस ओके पहले मेरे को कंफर्म करो सब लोग ठीक है तो अभी बच गया फोर लैख फोर्टी फाइव मेरे को बोलो फोर लैख फोर्टी फाइव थाउजेंड आर्स क्या पूरा का पूरा बराबर से यूज हुआ नहीं उसके अंदर से कंटिन्यू उसके अंदर से कंटिन्यू थर्टी थाउजेंड नहीं डिडक्ट करना उसके अंदर से कितने आवर्स डिडक्ट करना क्योंकि ओनली हाफ ऑफ आवर्स वर अनप्रोडक्टिव मतलब रिमेनिंग हाफ वर प्रोडक्टिव नो तो तब तो गुड्स बनाए ना आप उन लोगों ने इज दिस अंडरस्टूड ठीक है बराबर है लेकिन उसके हाफ जस्ट वेट फॉर टू और थ्री मिनट ठीक है तो फोर लैख थर्टी थाउजेंड आवर्स जो थे ओके वर इन दिस केस ट्रेनिंग आवर्स लेकिन उसके ने से हाफ आवर्स वर प्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मतलब तभी प्रोडक्शन हुआ ओके okay. ट्रेनिंग के वक्त भी प्रोडक्शन वगैरह तो होता है ना तो बोलते सर नहीं होता सर एक मिनट मेरे को बोलो तुम्हारा सीए इंटर पास हो जाएगा उसके बाद तुम लोग क्या करोगे आर्टिकलशिप करोगे. करोगे तो आर्टिकलशिप इज ट्रेनिंग नो मेरे को बोलो ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड तुम लोग कभी रिटर्न्स फाइल करोगे यस और नो सो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पीरियड यू प्रोड्यूस नो करेक्ट नो ठीक है तो सुनो yes, अभी इन दिस केस तो ये जो फोर लैख थर्टी थाउजेंड है ना मैं पहले उसका कैलकुलेशन बता रहा हूं तुम लोग मेरे साथ लिखो जरा प्लीज राइट डाउन प्रोडक्टिव आर्स नोट है ना हाँ हा, आप उसको वर्किंग नोट वन बोल दो वो चलेगा मेरे को देखो प्रोडक्टिव आवर्स वर्क Hours worked four, like forty five thousand less unproductive training hours four, thirty. चलो सुनो अभी आगे तुम लोग तब तक नहीं लिखना जब तक मैं नहीं बोलता लास्ट ईयर फोर लैख थर्टी थाउजेंड आवर्स वर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दोज मेनी यूनिट्स हुज सेल्स वैल्यू वॉज एटी थ्री लैख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड इज इज लाइन ओके फॉर एवरीबडी इज इज लाइन ओके फॉर एवरीबडी सो देन माई लास्ट क्वेश्चन टू यू ऑल मेरे को क्या चाहिए सर लेबर टर्न ओवर की वजह से कितना सेल्स लूज हुआ एक बार ये वाला नंबर मिल जाएगा वो वाला नंबर में इधर डाल देगा मेरा काम खत्म हो जाएगा तो अभी मेरे को देखो एक नंबर चाहिए ध्यान से सोचना और अभी कैलसीज मत यूज करो देखो लास्ट ईयर फोर लाख थर्टी थाउजेंड आवर्स काम करके उतना यूनिट्स बनाया जिसका सेल्स वैल्यू एटी थ्री लाख थ्री थाउजेंड थ्री मेरे को क्या सोचने का है अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो और कितने यूनिट बन जाते और उनका सेल्स वैल्यू कितना होता है इज इज अंडरस्टूड तो तुम लोगों को मेरे को क्या बताने का है मैं यही वाला लाइन फिर से बोल रहा हूं और बीच में वन मोर लाइन आई विल बी सर्टिंग लास्ट ईयर फोर लैख थर्टी थाउजेंड आर्ट्स काम करके उतना यूनिट्स बनाया जिसका सेल्स वैल्यू एटी थ्री लैख थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड था अगर लेबर टर्न ओवर नहीं होता मेरे को और कितने आर्ट्स मिल जाते काम करने के लिए जैसे ही तुम लोग मेरे को ये वाला फिगर बताएगा ना मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा और क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये वाला फिगर ले आएगा तुमको समझ में आएगा ये वाला फिगर फिगर विल विल रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट दिस कि अगर लेबर नहीं होता तो इतने आर्स और मिल जाते और इतने आर्स के अंदर उतने यूनिट्स और बन जाते जिसका सेल्स वैल्यू ये वाला फिगर होता तुमको समझा लेकिन लेबर टर्नओवर हो गया तो इतने आर्स लूज हो गए मतलब इतना सेल्स भी तो लूज हो ही गया ना बस इतना अगर सेल्स लूज हो गया उसका 20 परसेंट उतना कंट्रीब्यूशन लूज हो गया वो वाला फिगर इधर आ जाएगा यहां पे तुम लोगों को ये वाला आंसर मिल जाएगा तो अब तुमको मेरे को एक ही नंबर बताने का है जिसके लिए नहीं चाहिए जिसके लिए दिमाग चाहिए और मेरे को जरा बोलो अगर लेबर टर्न नहीं होता तो सोच के बोलना और कितने आर्स और कितने आर्स और कितने आर्स अपने को काम करने के लिए मिल जाते और कितने आर्स को सिर्फ ये आर्स का आंसर दो और कुछ आंसर मत देना प्लीज मेरे को मैं को चार ऑप्शन देता है चार ऑप्शन मेरे को ऑलरेडी किसी ने वो दे दिए एटी फाइव थाउजेंड वन लाख वन लाख फिफ्टीन के वन लाख थर्टी वन लाख लैखीन थाउजेंड चलो वन लैख थर्टी किसी ने नहीं बोला एटी फाइव किसी ने नहीं बोला वन लाख के वन लैख फिफ्टीन वन फिफ्टीन ठीक है सुनो अभी मैं क्या कर रहा हूं ना मैं तुमको दोनों के लिए कन्विंस करता हूं ठीक है लेकिन इन एंड ट आई सी एज एंड आई कैन प्रूव दैट द नंबर वो मेरा टैलेंट है आई कैन प्रूव दैट द नंबर टू डू वट एवर द इंस्टीट्यूट डॉ भी और क्लास ना उन लोग को आईसीए का आंसर समझ भी नहीं आता तो वो लोग बोलते हैं आईसीए का आंसर गलत है ऐसा नहीं है आईसीए का भी आंसर करेक्ट है इट्स ओनी दैट इट हैज बी थॉट इन अ मोर डीप मैनर ठीक है देखो पक्की बात है वन लाख तो आएगा ही आएगा ठीक है क्योंकि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो आगे बोलो ना तुम लोग नया रिक्रूटमेंट सर नया रिक्रूटमेंट होता ही नहीं ओल्ड वर्कर्स ही होते सर अगर ओल्ड वर्कर्स ही होते तो फिर वो डिले नहीं होता तो अपने को वन लाख आठ सौ ही जाते ओके तो वन लाख तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन ये है कि वो पंद्रह हजार भी आएगा कि नहीं आएगा मेरे को जरा बोलो पंद्रह हजार जो है जो पंद्रह हजार तुम लोग सोच रहे हो जिन लोगों ने आंसर वन लाख फिफ्टीन बोला है बेटा वो पंद्रह हजार है वो प्रोडक्टिव वाला पार्ट है कि अनप्रोडक्टिव वाला पार्ट है अनप्रोडक्टिव आई थिंक वी ऑल आर हैविंग कंसेंसिस ऑन दैट ठीक है वो अनप्रोडक्टिव वाला पार्ट है बराबर से सुना ये दिस इज टेकिंग यू टू अ लेवल दैट इज वेरी गुड अगर ये समझ में आता है तो वेरी गुड देखो वन लाख तो आएगा ही आएगा बाकी पंद्रह हजार के बारे में ठीक है ये डिस्कशन कर रहा हूं उसके ऊपर नोट्स नहीं दूंगा क्योंकि एंड के अंदर आपको आंसर वही लिखना है जो आई का आंसर है ठीक है मैं नोट्स नहीं दूंगा टुवर्ड्स द एंड वो ज्यादा कंफ्यूजन होगा देखो क्वेश्चन ये है कि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो क्या वो पंद्रह हजार घंटे मेरे को एक्स्ट्रा मिल जाते अगर तुम लोग बोलते हो सर वो पंद्रह भी तो मिल जाते ना तो आंसर वन होगा तुमको समझा और अगर तुम लोग बोलते नहीं सर वो पंद्रह हजार मिलते ही नहीं सर तो फिर आंसर वन लाख होगा ठीक है मैं तुमको अभी दोनों चीजें बता रहा हूं ओके? और सॉलिड बता रहा हूं देखो दुनिया में ना जो ट्रेनिंग होता है ना बेटा वो दो टाइप का होता है वन इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग वन इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ठीक है जो मैं तुमको अभी सिखा रहा हूं ना मेरे को जरा बोलो जब हम लोग अभी लेक्चर्स वगैरह कंडक्ट कर रहे हैं तुम लोग नीचे इनकम टैक्स का रिटर्न भी फाइल कर रहे हो क्या कोई क्लाइंट का okay. no, कोई जीएसटी का फॉर्म भी भर रहा है अभी अभी no, नहीं दिस इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ऑफ द जॉब मतलब इट इज लाइक वॉचिंग लेक्चर्स इट इज लाइक कमिंग टू अ क्लास एंड लर्निंग लेट्स ब्रिंग दिस डाउन टू वर्कर लेवल ओके न्यू वर्कर्स आए ओके उनको अपने को ट्रेनिंग देना पड़ेगा ट्रेनिंग दो टाइप का होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग ऑन द जॉब मतलब उनके सामने एक इंस्ट्रक्टर होगा वो भी गुड्स बनाता रहेगा तुम लोग उसको देख के गुड्स बनाते रहो ये दो ये जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग होता है ना दिस इज ऑलवेज प्रोडक्टिव दिस इज ऑलवेज प्रोडक्टिव क्योंकि इंस्ट्रक्टर तुम्हारे सामने है वो भी गुड्स बना रहे तुम लोग देख के कॉपी करते रहते हो और सीखते रहते हो दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग दैट इज ऑलवेज प्रोडक्टिव ठीक है और ये जो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होता है ना इट इज लाइक वी टेल द वर्कर्स भाई फैक्ट्री छोड़ो जरा एक कमरे के अंदर आओ वहां पे एक इंस्ट्रक्टर आएगा और वो तुमको थियरी लेक्चर देगा कि जब प्र, जब प्रोडक्शन करते हो तब ये चीजों का ध्यान रखना ये गलतियां मत करना एसेट्रा तभी तुम लोग कुछ गुड्स नहीं प्रोड्यूस करो दैट इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग तुमको ये दोनों चीजें समझा ओके okay. ये ना तुम्हारे मॉड्यूल के अंदर वो नहीं है बट इन केस आई वांट टू जस्ट ट्राई टू शार्पन अप योर ब्रेन्स आई एम ट्राइंग टू बी डूइंग दिस ठीक है अभी जब तक लेबर टर्नओवर जब तक लेबर टर्नओवर नहीं था नो लेबर टर्नओवर ठीक है तब तक जरा सोचो मेरा फैक्ट्री 10 ए एम टू सिक्स पी एम खुलता था ठीक है जब तक लेबर टर्नओवर नहीं था लेबर टर्नओवर हो गया बहुत सारे वर्कर लोग वो चले गए ठीक है तो मैंने क्या किया कुछ ऐसा न्यू वर्कर लोग आए मैंने उनको बोला फैक्ट्री का जो टाइमिंग्स है ना वो दस से छह ही रहेगा ठीक है लेकिन तुम लोग क्या करना दस से लेके चार बजे तक गुड्स प्रोड्यूस करते रहना उसके बाद फोर टू सिक्स तुम्हारा ट्रेनिंग होएगा फोर टू सिक्स तुम्हारा ट्रेनिंग होएगा उसके अंदर से भी चार से पांच तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होएगा और पांच से छह तुम्हारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होएगा तुमको मेरा एग्जांपल समझा yes, अगर सिचुएशन ऐसा है ना तो आंसर वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड आएगा क्यों क्योंकि एक सेकेंड तुमको समझा ये फोर टू फाइव वाले जो आर्स हैं वो ठीक है वो तो प्रोडक्टिव आर्स, ये जो फाइव वाले आर्स आर हजार अनप्रोडक्टिव आर्स नो yes. तो अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तेरे को ये पांच से छह का समय भी मिल जाता टू प्रोड्यूस द गुड्स नो yes. तो फिर मेरे को वो वन लाख आर्स भी मिल जाते आगे बोलते और पंद्रह हजार घंटे भी मिल जाते तो फिर आंसर वन लैख फिफ्टीन थाउजेंड आएगा इज दिस अंडरस्टूड ठीक है दिस इज वन थिंग दिस इज वन थिंग आई कैन ट्राई टू टेल यू ऑल इन ऑर्डर टू जस्टिफाई एवरी अदर कोचिंग क्लास इन इंडिया हु सेज से आंसर गलत है एन आंसर शुड बी वन लैख्टीन आई ट्राई टू जस्टिफाई देम ठीक है क्योंकि आई से आंसर वन लाख है और आई से कोई नोट आज तक नहीं लिखता उसका आंसर वन लाख कैसे आता है बट देयर मेंटेलिटी गोज लाइक दिस विच इज नॉट रॉन्ग जब तक लेबर टर्नओवर नहीं था ना जब तक लेबर टर्नओवर नहीं था तब तक फैक्ट्री 10 ए एम टू सिक्स पी खुलता था लेबर टर्नओवर हो गया ठीक है लेबर टर्नओवर हो गया ध्यान से सुनना अभी जो ओनर था ना उसने बोला सुन न्यू वर्कर लोग को बोला तुम्हारे अंदर टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं है तो मेरे को तुम लोग को ट्रेनिंग देना पड़ेगा लेकिन मैं अपना नॉर्मल फैक्ट्री का आर्स खराब नहीं करूंगा फॉर दिस फैक्ट्री विल ओपन फ्रॉम टेन ए एम टू सिक्स पी एम उसके अंदर से टेन टू फाइव तुम लोग काम करना सॉलिड काम करना पांच से छे तुम्हारा ऑन द जॉब ट्रेनिंग होएगा और छह से सात तुम्हारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग होएगा क्योंकि ऑफ द जॉब अनप्रोडक्टिव होता है तो मेरे को फैक्ट्री का ये वाला आज खराब ही नहीं करना है क्योंकि मेरे को तुम लोग को ट्रेनिंग देने का है तुमको समझा yes, अगर ऐसा होएगा तो आंसर वन लैक आएगा फिर yes. तुमको समझा क्यों क्योंकि अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो मेरे को बोलो वर्कर लोग कितने बजे घर चले जाते छह बजे तो ये वाले जो पंद्रह हजार घंटे हैं 6 से लेके सात बजे तक ये वाले घंटे कभी होते ही नहीं ना तुमको समझा जो मैं बोला तुमको समझा जो मैं बोला अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो मेरे को बोलो विल यू गिव द ट्रेनिंग टू द वर्कर्स नो no, तो तभी जो वर्कर लोग हैं दस से छह काम करके तो चले जाते ना घर पे फिर वो एक घंटा कभी अपने पास होता ही नहीं एक्स्ट्रा yes, अगर ऐसा करोगे ना तो फिर आंसर वन तुमको समझा ये चीज yes, तो अगर ऐसा करोगे ना फिर आंसर जो है वन लाख आएगा देर इज नो बडी एक्रॉस एंटायर इंडिया हु कैन जस्टिफाई की वन लाख करेक्ट है इवन द इंस्टीट्यूट कैनॉट ऑल दो उनका जो आंसर है ना वो वन लाख ही है क्योंकि क्या है आईसीए की बुक्स के अंदर किधर भी ना देर इज नो कंसेप्ट ऑफ ट्रेनिंग विच इज गिवन इन द एंटायर मॉड्यूल लेकिन इफ यू हैव टू जस्टिफाई यू शुड बी नोइंग दिस एंटायर थीडी ठीक है मैं तुम लोगों को नोट्स नहीं दे रहा हूं बना लास्ट डे पे देर विल बी अ बिगर क्वेश्चन सर एग्जाम के अंदर क्या लिखे आईसीए राइट वन लैक इफ आई कैन जस्टिफाई आईसीए का आंसर आई ऑलवेज ट्राई टू जस्टिफाई इंस्टीट्यूट का आंसर ठीक है तुम लोग अभी एक टाइटल दो आर्स लॉस ड्यू टू लेबर टर्न इसको वर्किंग नोट टू बोलोगे तो भी चल जाएगा आर्स लॉस्ट ड्यू टू लेबर टर्न ओवर ये लिखो तुम लोग जो मैंने लिखा हुआ है लास्ट ईयर मैं अपनी ग्रेट हैंड राइटिंग वो पढ़ देता हूं मैं अपना पेपर चेक करता तो पक्का फेल होता एक्चुअली लिखो तुम लोग लास्ट ईयर Four thirty thousand hours were responsible to produce those many units whose sales value was eighty three three thousand three hundred. again i'm trying to write down bit better writing if one lakh extra hours were available how many units we could have produced <coughs> and what will be the सेल्स value of that question mark लैख थर्टी नाइनटीन लैख थर्टी ये नाइनटीन लैख थर्टी वन थाउजेंड ऊपर लेके जाना मैं एक बार ये पढ़ देता हूं

हाँ। कुनाल अगर ओल्ड वर्कर्स भी होते तो वो भी बेटा वो पंद्रह हजार घंटे हैव बीन वर्कड बाय द ओल्ड वर्कर्स तो एटी फाइव थाउजेंड विल नॉट बी आंसर ठीक है सर हाँ जी मुझे हाँ एक सेकेंड ना एक सेकेंड एक सेकेंड आई थिंक एंड आई टेल यू ठीक है तो यू मैसेज ऑन टेलीग्राम ओके आप वो मैसेज कर देना ठीक है हाँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम लगेगा टू थिंक वट यूर लास्ट एक मिनट ये वाला फिगर तो ये कितना आता है सिक्स टू हंड्रेड हाइट थ्री एटी सिक्स टू हंड्रेड और ये आ जाएगा फाइव लैक्स हा मतलब एक्सट्रा ले रहे वेदर मतलब यू हाँ? पे और नॉट ना ओके दैट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस यू माइट नॉट इवन पे ऑल्सो क्योंकि इट इज जस्ट वी आर ट्राइंग टू ट्रेन देम बियॉन्ड नॉर्मल आवर्स मोस्टली यू विल नॉट पे दम क्योंकि वर्कर्स विल बी देयर ईदर ऑन अ पीस रेट सिस्टम ऑन अ आर्ली सिस्टम अंडर पीस रेट बोलो कुछ गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं कर रहे दे विल नॉट बी एंड टेक्निकली दे आर नॉट वर्किंग बिकॉज इट इज नॉट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इट्स ऑफ द जॉब ट्रेनिंग ठीक है ओके हाँ चलो सुनो अपना दिस क्वेश्चन इज ऑल डन तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जैक्टली अ सिमिलर क्वेश्चन लेकिन दिस लाइन आई एम राइटिंग दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाई मेनी पीपल इन डिफरेंट वे वी सॉल्व इट बेस्ड अपॉन दी आईसीए मेथड डू रिमेबर प्रॉफिट फॉल्स इधर बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन कॉन्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट ठीक है बस ये वाला चीज एक याद वो रखना अगर चाहो तो वन द लेक्चर इज ओवर क्वेश्चन ट्वेंटी फाइव इन केस यू वॉन्ट टू बी सॉल्विंग एग्जैक्टली लाइक दिस सोनी तुम्हारा पांच मिनट के अंदर खत्म हो भी जाएगा ठीक है चलो या दिस जॉब इज डन वी शेल बी मीटिंग अप नाउ टूमोरो ओके